अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आपके साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा और डिफरेंट सेगमेंट्स, हर तरह के त्यौहार हमने आपके साथ अपनी वसत और वसात और चादर के मुताबिक हमने आपके साथ प्रोग्राम कंडक्ट किए। हर बंदे की एक कैपेबिलिटी होती है, मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी मैंने उतनी आपके साथ शेयर की। और कहते हैं हर हाल में खुश रहना चाहिए और जस्तजू ज़रूर करनी चाहिए। और एक सपने हम वो देखते हैं जो रात को सोते हुए, सपने वो होते हैं जो आपको नींद से जगा दे। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप नींद में होते हैं तो कुछ सपने देखते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको नींद से जगा दें। देखने चाहिए ख्वाब और बुलंदियाँ देखनी चाहिए, मंजिलों की सरहद देखनी चाहिए। बिल्कुल आपका हक बनता है, आप बहुत अच्छा विजन देखें, एक अच्छी सोच क्रिएट करें, लेकिन सोच में या आपकी क्रिएशन में आपकी यूनिटी बड़ी काउंट करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक ऑनरशिप बड़ी काउंट करती है, एक लीडरशिप बड़ी काउंट करती है। अकेले चलना और सबको लेके चलने में बड़ा फर्क है, जो सबको लेके चलता है उसे लीडर कहते हैं और जो अकेले चलता है वो अकेला ही तन्हा रह जाता है। और जो ऐसे चलता है कि मैं इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये मेरे साथ ना चले, इसको ना पता चले, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। सिस्टम और कामयाबी किसी भी इदारे में सबको तरीके से लेके चलने में, और ये भी नहीं होना चाहिए कि नए लोग मिले तो पुरानों लोगों को आप भूल जाएं। जिन लोगों ने आपके साथ इनिशियली या इब्तदाई तौर पे साथ निभाया, साथ दिया, आपकी धूप छांव सही, आपकी बहुत सारी मुश्किलों को झेला, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना होने पे उसे रियलाइज़ किया और उसका अल्टरनेटिव हर चीज़ को आपके साथ अंडरस्टैंड किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम कहते हैं हमें कुछ लोग नए मिलते हैं तो हम शायद पुराने लोगों को भूल जाते हैं और उनकी तमाम टैलेंट, उनकी तमाम उनकी कॉपरेशन वो सब भूल जाते हैं। नहीं, अभी भी ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस दौर में भी मौजूद हैं, जो ऑनरशिप में हैं, वो लीडरशिप में हैं, वो पूरे इदारे को ऑन करते हैं, वो अभी भी सबको लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ जो लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने उनके इदारे के साथ सिंसियरिटी दिखाई, उन पर भरोसा किया, उनको अंडरस्टैंड किया, उनके साथ धूप छांव में चले, वो उनको साथ लेके चलते हैं। और ये इदारे के ऑनरशिप में अगर जो भी पर्सन है, ये उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी है, ये उसकी सलाहियत है कि वो सबको लेके चल रहे हैं, बड़ी बात होती है, ये चलना चाहते हैं। आपके घर में या आपके घर में आपके कोई भी, आपके पूरे ख़ानदान को लेके चलने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फैमिली में जब हमारे घर में रिश्ते बढ़ जाते हैं, लाइक चाची और भाभियाँ आ जाती हैं, फिर उनकी शादी, उनके बच्चों की शादी होती है और रिलेशनशिप्स बढ़ जाते हैं, कुछ आउटडोर के लोग आ जाते हैं, कुछ अपने चाची मामी की बेटियाँ शादी हो जाती हैं, कुछ लोग हम लड़के होते हैं पसंद बाहर से कर लेते हैं, तो क्या होता है, कुंबा बढ़ जाता है, एक ख़ानदान बढ़ जाता है, फिर रंग रंग की बोलियाँ होती हैं, रंग रंग की गुफ्तगू होती है, और कुछ लोग होते हैं जो उसमें थोड़ी बगावत करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा जेलिसी फैक्टर भी बहुत होते हैं ना हर जगह पर, तो थोड़ा जेलिस होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को शायद इतना पसंद नहीं करते और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक इदारे में भी ऐसा होता है, जब नए लोग आ जाते हैं
तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दिल से साफ हैं और अगर आप सिंसियर हैं जैसे अपने खानदान के साथ, तो आपका कोई भी बाल भी बिगड़ नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में, मैं एक बात बताऊं, मुझे इसकी एक एक मुझे ज़्यादा खूबसूरत बात लगती है, जब आपका मकाम बढ़ाना होता है ना, तो थोड़ा सा गिराना ज़रूरी होता है। जब आप गिरते हैं तो आपको आपकी वैल्यूज़ मालूम होती हैं, और ये ज़रूरी है, ये अल्लाह पाक के प्लान है, इसमें कोई बड़ा प्लानर ज़मीन पर नहीं हो सकता। अल्लाह पाक आपकी इज्जत मकाम जब बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़े से झटके लगाते हैं, और फिर उसके बाद मेंशन होता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपका मकाम उस रब ने क्या मुकर्रर किया है। फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है और इदारों में भी ऐसा होता है। इसीलिए हिम्मत कभी ना हारिएगा, सिंसेरिटी और ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा, किसी का भरोसा कभी ना तोड़िएगा। याद रखिए, जब अगर भरोसा तोड़ देंगे और आप कोई ऐसा काम कर लेंगे, तो आप समझ लें कि आप उनको नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि उसे नहीं मालूम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं बाप बाप होता है, बाप को औलाद कभी धोखा नहीं दे सकती, धोखा देगी तो पकड़ी जाएगी कभी ना कभी। आप ये ना समझे, इसी तरह इदारे में भी कोई बंदा लीड कर रहा है ऑनरशिप में, आप ये मत समझे कि आप किसी को चीट कर रहे हैं, उसे नहीं पता चलेगा। वो आपको इग्नोर जरूर कर रहा है, लेकिन वो जानता सब कुछ है और वो इंतजार कर रहा है कि आप शायद राह रास्त पे आ जाए। इसीलिए कभी कभी हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो ऊपर वाला रब फिर बहुत बेहतर जानता है। कुछ हम हालात अपने दुनिया पर भी छोड़ते हैं और कुछ हालात हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि कब कौन वापस आता है और अपनी सिंसेरिटी दिखाता है। लेट्स सी, मेरी बातें कुछ लोग जो अपनी कभी कभी हम लोग यूं करके कहते हैं ना, तो समझ आना बड़ा मुश्किल है, उसको बुरा लगता है, लेकिन हम जर्नली बात करते हैं, हर बंदा अपने आप को अंदर से टटोलता है। मैं इस साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सभी कैसे हैं आप? मैं ठीक। फरगाना बात कर रही हूँ। कहाँ से? लाहौर से, फरगाना। अच्छा, लाहौर से फरगाना जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप कितनी देर होल्ड किया आपने जी? आपने कितनी देर होल्ड किया? हाँ जी, वो ये था एक्चुअली कि मैं ना वो थोड़ी बिजी हो गई थी, इस्लामिक क्लासेस दे भी रही थी, ले भी रही थी। अच्छा अच्छा, आपने कॉल की, प्रोग्राम मेरा देखती हैं गुड मॉर्निंग विद सभी? हाँ जी, माशाल्लाह मैं जब उठती हूँ, बच्चों को भेजती हूँ, भेज के बाद नाश्ता करने के बाद पहला ये काम होता है कि मैं आपका शो देखूँ। अच्छा, आपको कौन सा शो ज्यादा, कल का शो देखा था आपने, पहले ये बताइए। हाँ जी, कल का भी मैंने देखा था, जो मदर डे पे था। अरे मैं सदके जाऊँ, पहले ये बताएं कि उस प्रोग्राम में आपको क्या बात अच्छी लगी? बात उसमें, पहली तो बात ये है कि जैसा मैं आपको बताती हूँ कि मदर डे जो है ना, वो है ही सारा साल ही माओं का दिन होता है, एक दिन मनाने से क्या होता है, क्या प्यारी बात। एक्चुअली और आपकी रही आपके शो की बात, तो उसमें हर बात अच्छी होती है। आपकी गुफ्तगू मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत अच्छी लगती है आपको ना, मैं कहती हूँ इस्लामी स्कॉलर टाइप होना चाहिए था आपको, आप यकीन जानिए, इतना अच्छा शो को संभालती हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। थैंक यू सो मच। ये लगता नहीं है, सही बात है कि इस्लामिक पे बात करें तब भी आपकी बात अलहदा है, किसी भी मौजू पे गुफ्तगू करें बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं आप, बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया, इतने गौर से आपने मुझे ऑब्जर्व किया, इतने गौर से आप मुझे देखती हैं और इतना अंडरस्टैंड करती हैं, तो आपकी मैं कैपेबिलिटी को भी देख रही हूँ कि आप समझ बूझ रखती हैं। तो आपने कहा कि मैं हर डोमेन में बात करती हूँ और आपको अच्छी लगती है, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है, और आपकी समाते हैं और आपकी देखने की सलाहियत है, जो आप इतना मुझे पसंद करती हैं, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप एक मदर हैं या एक बेटी हैं, ये बताइए। मैं मदर हूँ, मैंने पहले भी बताया था मैं मदर हूँ, मेरे माशाल्लाह दो बेटियाँ, तीन बेटे हैं, तो मैं इस्लामिक जो है ना वो मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, एक्चुअली मैं फिक्का जाफरिया से हूँ। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी, तो वो बिजी थी थोड़ी सी, मैं मुहर्रमुल हराम भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपने मेरी इबादत रमजान तो बड़े गौर से देखी होगी।
मैंने देखा, मैं कॉल करती रही थी, मैं वही हूँ ना, फरजाना हकीम। अच्छा फरजाना दवाखाना जिसे मैं हमेशा कहती थी फरजाना दवाखाना दस्तगीर नंबर 9 कराची। ओ मेरी जान, कैसे हो आप? ठीक हो? अरे यार मैं नहीं बोलती मेरी जान कसम से, फिर मुझे वो कोई ना कोई कह देगा आप ऐसा क्यों कहती हैं, और मैं प्यार में कह देती हूँ भाई। नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरी बहनों की तरह है, जजाए कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। लव यू। अब मेरा आपके साथ यकीन जानी है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे हो गया जैसे एक फैमिली के साथ मैं बात करती हूँ ना, किसी बहन के साथ। क्या आपकी मोहब्बत और मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जैसे अपनी दिल की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। बाखुदा मैं, स्क्रीन ऑन होती है ना, मुझे लगता है आप सब मुझे यहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं मेरे स्टूडियो में। जी, मैंने लास्ट 29वें रोजे मैंने कॉल की थी ना जब, तो तब मैंने आपसे यही कहा था, मैं आपसे गिफ्ट नहीं लेती थी, लेकिन आप यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके शो को इतनी तरक्की देगा और इंशाल्लाह मौला पेंशन पार्क के सदके में, और आपको अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। और मेरी एक ख्वाहिश है वो ये कि जब भी आपके शो से उमरे का टिकट हो वो पहला मेरा हो। पक्का वादा जब भी इंशाल्लाह, और इतना अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। आमीन 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 आमीन। जब भी मुझे कोई अच्छी ऐसी स्पॉन्सरशिप मिली तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपका नाम नॉमिनेट करूंगी। बहुत शुक्रिया फरजाना। मैंने कहा जी, मैं थोड़ा सा मैं आपको ड्रामा सुना सकती हूँ, अगर टाइम है? हाँ सुनाओ ना, सुनाओ, बिल्कुल सुनाए जी। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि मैंने बताया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रब्बे लवल में कराची अपने बेटे को लेके आऊँ। मेरा बेटा नाथ खां भी है, मेरा बेटा बिल्कुल के नोहे कसीदे चलते हैं, तो आप आइएगा मेरे शो में आइएगा और बेटे को भी लेके। मैं आपसे लाइव मिलना चाहती हूँ, असल ये है मुझे आप बहुत अच्छी लगती। मैं तो बहुत, मैं सच बताऊं अगर ये स्क्रीन नहीं होती और ये इतना मुझे कुछ मेकअप की मैं नहीं ज्यादा करती, मैं ज्यादा बहुत सिंपल रहती हूँ, एक बस चोगा सा पहन लेती हूँ और बस सिंपल सी रहती हूँ, कसम से सच कह रही हूँ, मेरे अंदर कोई भी ईगो नहीं है। नहीं देखिए, मैंने आपको ना बहुत, देखिए मैंने पहले बताया मेरी बड़ी बहनों की तरह मैं हर जगह जाती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि बंदा एक बंदा किस तरह का है। हजारों लोगों में आना जाना होता है हमारा, मजालिस वगैरह पढ़ना, महफिल नाते वगैरह जाना। अच्छा, तो ये चीज है। चलिए सुनाए क्या सुना जी। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजात, झूमते होंगे हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रजाए सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत अंदाज फरजाना आपका। और मेरी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है मुहर्रम की, और आपने मेरे साथ रहना, बल्कि हमेशा मेरे साथ रहना है। कल भी प्रोग्राम जरूर देखिए। अल्लाह हाफिज़। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मुहर्रम की भी ट्रांसमिशन आपकी होती है, तो मैं, मेरा खुद दिल चाह रहा है आपसे लाइव मिलने को, और जिंदगी ने मौका दिया, मैं अपने बेटे को भी लेके आऊंगी, वो भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ। बस आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं, मौला सलामत रखे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ये मोहब्बतें हैं मेरे व्यूवर्स की, माशाल्लाह उन्होंने मुझे कॉल की और इतनी मोहब्बत से मुझे मुझसे बात की। बाखुदा मेरी एनर्जी हैं आप लोग, मेरे मेरा ब्लड है आप लोग जो मुझे एक्टिव कर देते हैं, और कोशिश करती हूँ मैं आपके साथ बिल्कुल नेचुरली और सीधी सीधी बात आपसे करूँ, और आपकी खूबसूरत बातें आपसे जो आप मुझसे करते हैं वो मैं सुनूं, और मैं आपकी सुनने के लिए भी बैठी हुई। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने दिल की बातें मुझसे कर सकते हैं, कोई भी बात कोई पूछना हो, क्योंकि अगला सेगमेंट हेल्थ का है तो आप अपने हेल्थ के लिए एक्टिव हो जाएं, क्योंकि एवरी ट्यूजडे हमारे साथ कौन होती हैं, जी हाँ हमारी हर्बल दुनिया की रानी और मुस्तफ़ा अनीस साहब। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ लेनी है ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट से रेलेवेंट जो मेरी कोशिश होती है हम उस टॉपिक पे या उस मौजू पे गुफ्तगू करें जो हमें अवेयरनेस जनरेट करे, और इर्द गिर्द क्या चल रहा है। गर्मी बे इंतहा हो गई है, मैं सोच रही हूँ कि कराची जब इतना गर्म है तो थर का क्या हाल होता होगा। आगे हमारा जो है बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा सा ड्राई है, सहरा है, उस जगह पर क्या हाल हो रहा होगा। बहुत हिद्दत वाली गर्मी है, डिहाइड्रेशन बढ़ गई है, और जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है तो इंसान का चेहरा बिल्कुल डल हो जाता है, वीकनेस, ऐसे लगता है खून की कमी हो गई है, मैदे में हमें वैसी चीज़ें जो अगर खुदा ना खासा आपने कुछ ज़्यादा तंदूरी रोटी कोरमा और बिरयानियाँ इस तरह की हैवी चीज़ें खाई वो और हमारे मैदे पे इफ़ेक्टेड होती हैं। तो प्लीज़ खाने में आपने क्या खाना चाहिए इन दिनों, और जितना हो सके ड्रिंक टाइप का, मतलब जूसेस ड्रिंक को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। फाल से आ गए हैं, अभी थोड़ा और सीज़न है। कैरियों का जिस तरह पिछले प्रोग्राम में कैरी के ऊपर एक पूरा ड्रिंक बनाया था उन्होंने आपा ने, और आज देखते हैं आपा किस मौजू पे बात करना चाह रही हैं। वैसे मौजू मुझे भी मालूम है, जिगर और मैदे की गर्मी। हाँ, आपा क्या बताएंगी कि किस तरह हम अपनी डिहाइड्रेशन कम करें, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है वो हमारा मैदा, और मैदे के बाद जो भी इफ़ेक्ट होता है वो हमारे जिगर पे होता है। जिस और अगर आपका खून बनना या खून में कोई भी हिद्दत पैदा हो जाए तो फिर पता क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, और ये आपके इर्द गिर्द तो होता होगा, हमारे जिस्म पे पित्त निकल आती है, या एक इचिंग होती है, रेड रेड हमारे दाने निकल आते हैं जो हमको इतनी तकलीफ देते हैं। जितना भी आपको पसीना आएगा वो उतना ही आपको इरिटेट करेगा। इसकी वजह कि आप ऊपर तो पाउडर लगा लेते हैं या कोई क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन अंदर की हिद्दत आपको नहीं समझ में आती कि वो रीज़न क्या है। आज हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, ख़ास तौर पे बच्चे बहुत मुतासर होते हैं, फिर ये इचिंग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो सर पे अजीब से दाने बढ़ जाते हैं, बच्चा बहुत इरिटेट होता है, रोता बहुत है, और आई डोंट नो, और बहुत सारे ऐसे दानों की भी बहुत सारी एक्साम है, टाइप्स हैं जो हमें नहीं समझ में आती। कुछ दांत बन जाते हैं, खुजली जिससे बहुत ज़्यादा इचिंग बहुत होती है, और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जैसे आम के नीचे आपकी जो है ये जो घुटनाएँ नी इसके नीचे, यानी कि ऐसी जगहें जहाँ पर आपका जो है क्लोज हो रहा होता है उसमें बहुत तकलीफ होती है, फिर इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा रैश होता है। लेट्स सी, गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त है, नोट कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी, रानी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा अवेयरनेस दे दी ना तो गुफ्तगू में ज़रा सा आसानी हो जाएगी। और मेरे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह के नाम। अच्छा जी, टॉपिक हमने नाज़रीन को बता दिया है कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं, यानी कि जिगर और मैदे की गर्मी। आप क्या कहना चाहती हैं, पर मुस्तफा भाई के पास चलते हैं। जी हाँ, जिगर और मैदे की गर्मी आम तौर पे जी जिस इंसान को होती है तो साल के 12 महीने ही रहती है, और उसको मुतअद्दिद इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि खाना हजम नहीं हो रहा। अगर खाना खा लिया है तो सीने पे जलन है, और जलन हो रही है तो उसको आप किस तरह उस जलन से आप रिलीव करें, महसूस करें, और क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि ये आपकी तबीयत मुजमहिल ना हो। और बहुत से लोग तो खाने से भी इज्तनाब बरतने लगते हैं कि नहीं 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 ये खाऊंगा तो मुझे तकलीफ़ होगी, नहीं वो खाऊंगा तो मुझे
तकलीफ होगी, और इस तरह इंसान एक सेहतमंद इंसान कमजोरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि एक मुतदिल खुराक अगर इंसान को ना मिले तो उसकी यानी बॉडी पर असर अंदाज होता है, और बॉडी में जो कुछ हो रहा है उसका जो असर है वो चेहरे से बिल्कुल ऐसे आपको पता लग जाता है कि कौन, हम चेहरा ही देखकर कहते हैं क्यों क्या हाल है, तबीयत तो खराब नहीं है, हम चेहरे से महसूस करते हैं। और सर्दियों में और गर्मियों में जो कादर मुतलक है वो हमारे लिए तमाम वो चीज़ें पैदा करता है जो हमारे जिस्म जान की ज़रूरत होती हैं, अब उसको इस्तेमाल करना कैसे है ये हमें ज़रा सा सही तरीके से पता नहीं होता। अच्छा, अब गर्मियों के आते ही चूँकि मौसम बहुत गर्म हो जाता है और गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत होती है, आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और जो पानी का भी सही इस्तेमाल के अगर आप देखें कि अगर आग है और उस पर सिर्फ और सिर्फ पानी करते रहें तो वो एक जगह पहुंचती है, दूसरी जगह उसको पहुंचने में बहुत देर होता है, इस तरह आग भड़कती रहती है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा जिस्म भी एक खोल है जिसमें हर जगह हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे गुर्दा है, हमारे गुर्दे हैं दोनों, हमारा मैदा है, यहाँ से हलक से निकलकर जब वो मैदे के मुंह पर पहुंचता है तो जिगर तक जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें अब बाज लोगों को कहते हैं, आपने देखा होगा कि कमजोरी हो रही है तो इनके दिल पे गर्मी हो गई है, ये लफ्ज आपने अमूमी तौर पर सुना होगा, ये मैदे की गर्मी है, यानी कह रहे हैं दिल पे बहुत गर्मी हो गई है और इन पे दिल पे इनके दिल पे गर्मी का असर हो गया, हाँ बहुत ज्यादा। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि अब गर्मियों के आते हमें पानी पीना है, किस तरह पीना है, सबसे ज्यादा ये है कि हमारे पास कुदरत ने वो सब्जियां दी हैं, वो फल दिए हैं जिनका हमें इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया अच्छा, जाए। आपने जैसे कहा कैसे इस्तेमाल, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं बताऊं कि प्लीज PTCL नंबर भी मेंशन करें बार बार, ताकि किसी भी मदर को या किसी बच्चे को आपके इर्द गिर्द किसी को ऐसी तकलीफ में मुब्तला है ताकि वो हम इसका सोल्यूशन उनको बता सके। चले आप सबसे पहले एक जैसे कैरी पर हमने बात की, कैरी एक कच्चा फल है आम पकने से पहले, मैं तो चाह रही थी आज फिर दोबारा ले आते वो भी बता दे, उसके फवाइद हमने बताए, अब उसके बाद आम आ जाएगा, फिर आम पर बात करेंगे, लेकिन अब जो इनिशियली हमारे पास फ्रूट आ गए हैं उसमें फालसा है, उसमें तरबूज है, उसमें खरबूजा है, अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतें, जब फालसा नया नया आता है तो इस वक्त वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो उसके खट्टेपन की वजह से, और देखिए जो भी फ्रूट खट्टा होता है उसमें सिट्रिक यानी विटामिन सी कसरत के साथ मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त वो इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि उसके खाने से आपका गला ख़राब हो सकता है, आवाज़ बैठ सकती है और ये फ़ायदा नहीं होगा। तो इस मौसम का अगर आपको फालसा इस्तेमाल करना है तो इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करें, वो मैं आगे बताऊँगी। अब मौसम में सबसे बेहतरीन हम तरबूज की मिसाल देते हैं, तरबूज आ गया, तरबूज खाइए, कैसा खाइए, कब खाइए, ये मालूम होना चाहिए। तरबूज खाने की टाइमिंग होते हैं, सुबह नहार मुंह तरबूज खाइए, जब आपके पेट में कुछ ना हो आप पेट भर के तरबूज खाइए, ये सुबह का 9-10 बजे का टाइम होता है। अच्छा, नहार मुंह फायदा देता है, बहुत फायदा देता है, बहुत, जब आपके आगे पीछे पेट में कुछ नहीं है तो आपको डायरेक्ट आपके दिल पे, आपके जिगर पे, आपके मैदे पे ठंडक का असर देगा वो। उसके बाद शाम की 4 बजे जो चाय का हमने अपने एक टाइम मखसूस कर लिया उस वक्त खाइए, और सबसे बड़ी बात यह कि तरबूज को भी देखकर खाइए कि रखा हुआ कटा हुआ बासी तरबूज ना खाइए, मुजीरे सेहत है, वो डायरिया का सबब बनता है। जो ठेलों पे मौजूद आपको तरबूज देते हैं वो कटे हुए तरबूज होते हैं, ना जाने कब से उसमें कट लगा हुआ है आपको नहीं मालूम। आप साबुत तरबूज लीजिए, और तरबूज का एक तरीका मैं छोटा सा जो मेरी नॉलेज में वो बता दूं कि जब आप साबुत तरबूज उठाएं तो उसको अच्छी तरह हम उलट फेर के देखें, अगर उसमें एक धब्बा पीला है, पीला यानी हरे रंग के तरबूज में अगर एक इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा स्पॉट भी पीले रंग का, इट मींस ये पक्का तरबूज है और ये कुदरती तौर पर पका हुआ है, इसमें कोई केमिकल इंसर्ट नहीं किया गया, वो आपके लिए बेहतरीन है। अगर वो कम मीठा भी निकलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये एक तो फ्रेश है, आपने अपने घर खुद ला के काटा है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, और तीसरी बात यह है कि अगर आप उसको छोटा तरबूज लाएं और पूरा एक ही वक्त में ख़त्म कर लें तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग तरबूज को भी काटते हैं, आधा भी खा लिया, आधा रात को खा लेंगे, आधा कल खा लेंगे, खुला हुआ तरबूज बैक्टीरिया कैच कर लेता है और वो
जो डायरिया है, यूँ समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ आजकल इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो मर्ज़ फैला हुआ है वो डायरिया का है, वो इस वजह से होता है। दूसरी बात यह है कि पानी आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करना है और बाहर से आने के बाद फौरन नहीं पीना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बाहर से आए, गेट खुला, पानी गुटगुट गुटगुट, आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लें 5 मिनट, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से खोल रही है। आपके ऊपर तो अल्लाह ने इतना बड़ा ये जो हमारी खाल है उसका गिलाफ चढ़ा दिया, लेकिन अंदर से हमारा खून गर्म है, हमारी बॉडी गर्म है। थोड़ी सी हिद्दत को कम करने दीजिए, जरा सा नॉर्मल आपका टेम्परेचर हो फिर पानी पीजिए। और बेहतर ये होगा कि बाहर से आने के बाद जब पानी का एक गिलास ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें। और घर वालों को चाहिए कि आजकल के मौसम में अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए डाइनिंग टेबल पर एक जग पानी का भर के रखें, उसमें एक खीरा काट के रखें, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का छील कर धोकर बारीक बारीक कट करके डालिए, एक मुट्ठी पुदीना, पुदीने की पत्तियां ले लीजिए, उसको धो लीजिए और इस पानी के अंदर डाल दीजिए, और एक लीमू के 4 टुकड़े करके, धोने के बाद पहले उसको धोइए फिर 4 टुकड़े करके इसी जग में डाल दीजिए। और कोशिश करें कि घर से बाहर, घर में बाहर से आने वाले आदमी को पहले एक गिलास इसका दे दीजिए। ये आपके जो टॉक्सिन रिलीज हो गए हैं उनको फौरी तौर पर आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन, एक तो जो ख़राब मादा आपके जिस्म में बाहर से आप कैच करके लाएँ उसे रिलीज कर देगा, दूसरे जो आपकी बॉडी में कमज़ोरी हो गई है, जितना पसीना आपका बाहर निकला है और जितने आपके मिनरल्स, आपका जो सॉल्ट आपकी बॉडी से बाहर गया है उसको फौरी तौर पर ये नॉर्मल कर देगा। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आपके अंदर जितने भी जो है टॉक्सिन एलिमेंट पैदा हो जाते हैं उसे वो डिटॉक्सिफाई करता है, ये इतना फायदेमंद है। मैं कि सबसे भी ज़रा सा बात करना चाहूँगी आपा, फिर हम आपकी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ लेंगे। जैसे एसिडिटी जैसे हो जाती है, खाना गर्मी बहुत होती है तो ऐसे लगता है खाना पलट के आ जाएगा ना, मैदे की तरफ जो एक क्या आंतों की इन्फेक्शन कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं हम लोग, तो मैदे की हिद्दत बढ़ जाना, जैसे बात हो रही है मैदे की और जिगर की, जब मैदे की हिद्दत बढ़ जाती है तो हमें रीज़न क्या है, क्यों बढ़ जाती है? देखिए, मैदे का ताल्लुक आपके खून से है। बिल्कुल ठीक। खून का ताल्लुक आपकी बॉडी के टेम्परेचर से है। ठीक। और बॉडी टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर पानी या पानी की कमी के अधिकार है। ठीक है। देखिए, जैसे ही मौसम में सर्मा या गर्मा आता है तो उसकी वजह से मौसम का जो एक टेम्परेचर उसका इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। ओके। जब आपकी बॉडी के अंदर गर्मी होती है तो उसकी वजह से जिगर पे गर्मी, मैदे में गर्मी, और आपका बॉडी से बहुत सारे जो है ना वो टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक इचिंग जैसा इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, खुजली शुरू हो जाती है, कभी कभार वॉमिटिंग या उपकाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या नॉर्मल तौर पर भूख कम हो जाती है, प्यास शिद्दत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मली तौर पर हलक खुश्क होना शुरू हो जाता है और सांस फूलना शुरू, घबराहट शुरू हो जाती है। तो इन सब का जो ताल्लुक है वो गर्मी से है या पानी की कमी से है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से, एक नेमतों में से अल्लाह ताला की एक नेमत है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें शामिल हैं जो आपकी बॉडी या गर्मी की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए। कच्ची लस्सी दो किस्म की है, एक लस्सी वो है जो दूध की है, एक लस्सी वो है जो दही की है। दही की जो लस्सी है उसके अलग फ़वाद हैं, जो दूध की है उसकी अलग फ़वाद हैं। जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे शुगर है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दूध वाली लस्सी, और जो जिनको शुगर नहीं है उनके लिए ये दही वाली लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जो मसला हो जाता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब ये है कि बॉडी में नमकियात बढ़ जाना और छोटे छोटे ज्वाइंट्स के अंदर दर्द होना शुरू, जिसकी वजह से कभी का बॉडी में बर्म आ जाता है, घबराहट हो जाती है, हाथ पाँव में कपकपाहट शुरू हो जाती है, नॉर्मल तौर पर हाथ पाँव से एक ठंडा पसीना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो मोरल वो डाउन हो जाता है, आंखें धस जाती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये कच्ची लस्सी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग जो है वो इसमें दही का इस्तेमाल ना करें, सॉरी नमक का इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है वो उसमें नमक का इस्तेमाल डालते करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जितना कच्ची लस्सी के अंदर पानी होगा उतनी इसकी अफादियत में इजाफा हो जाएगा।
कोशिश की जाए कि भाई आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, सॉरी आधा गिलास दूध और पानी, ये जो लस्सी है ये बहुत फायदेमंद है डिहाइड्रेशन के लिए। यकीन करें डिहाइड्रेट, और अगर कोई आप ज्यादा जैसे किसी शादी से आए और आपको एसिडिटी हो रही है तो ये जो आपने कच्ची लस्सी का है ना, ये बहुत फायदेमंद है रियली में। आपने दो तीन बार बताया, बहुत इनकी ये जो होम रेमेडी में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत जबरदस्त है। तो एक मामला ये होगा डिहाइड्रेशन, मतलब ये हुआ कि जिस्म से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और जिस्म की एनर्जी बिल्कुल डाउन चल रही है, नमकीयात की कमी। दूसरी बात ये है कि जब गर्मी से बंदा आता है तो उसकी वजह से घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, हल्का खुश्क हो रहा है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा दही लें और जितना हो सके उसमें पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट आपकी उस हिद्दत को जिसकी वजह से उपकाइयां आ रही हैं, ढाल और पानी बस, और दूध नहीं, इसके अंदर जितना पानी होगा उतनी इसकी अपादियत में इजाफा होता रहे। यानी कि पानी में हिफ्ज़े मा तकद्दुन के तहत आप दही थोड़ा सा डाल दें, हाँ। और अगर इसकी तासीर को और ठंडा करना चाहे, अगर इसकी तासीर को और ठंडा करना चाहे तो उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ शामिल कर दें, और ठंडा करना चाहे तो उसमें थोड़ा सा तुख मलंगा शामिल कर दें, और ठंडा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है वो सिट्रिक एसिड, मतलब बिल्कुल ये चल रहे हैं जिस तरह ये चेस्ट इन्फेक्शन करके छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, ये किसको नहीं पीना चाहिए, हाँ जी, ये भी एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है जी। अस्थमा वालों को नहीं पीना, अस्थमा वालों को नहीं पीना चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है अर्थराइटिस का, जिन लोगों के ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो उनको नहीं पीना चाहिए। बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रात को, क्योंकि ये बहुत ठंडी है, हाँ। और जितनी ठंडी चीजें जाएंगी उतनी ही आपके जॉइंट्स के अंदर जाकर और ठंडी ठंडगी पैदा की, जिसकी वजह से जॉइंट्स का पेन बढ़ जाएगा। तो इन सेंस देखा जाए तो ये हर खास आम के लिए फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ उस सूरत फायदेमंद नहीं है कि आप दर्द से तड़प रहे तो उस वक्त इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, शदीद बारिश हो रही है तो उस वक्त इसको इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज्यादा जो है वो दमा है, सांस फूल रहा है तो इस्तेमाल ना करें। देखिए चावल में भी स्टार्च है, उसके बाद चावल नहीं में भी फैट्स है, ओके, तो उसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल तो हाजिम करेगा, अच्छा, उन सारी गर्मी को खत्म करेगा, ओके। क्योंकि चावल के अंदर भी फैट्स हैं, ये अंदर जाके मोटापा करती है, ठीक है, ये कच्ची लस्सी है, ये सारी नमकियात को बॉडी से अखराज करेगी, सारे फैट्स को बॉडी से अखराज। जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है उनके लिए भी कच्ची लस्सी बहुत, चले कच्ची लस्सी बनती कैसे। और एक और बात बताऊं, आप बार बार कहते हैं इसमें तुख मलंगा मिला दें और इसबगोल, बहुत सारी चीज़ें जो डिटॉक्सिफाई कर भी देती हैं, ठंडक भी पहुंचाती हैं। मैं कहती हूँ पूरे दुनिया से बर्फ खत्म हो जानी चाहिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना ड्रिंक में। आपने कहा जितना ठंडा पियेंगे आपकी जो हाँ। पेन होगा, आप यकीन करें मुझे सख्त जो है ना तंग होती हूँ जो कोई बर्फ किसी चीज में पानी में ऐड कर दे, हल्का सा अगर हो ठंडा, वो भी बॉटल का अगर हो तो। अदरवाइज मैं सख्त जो है ना, मैं तमाम लड़कियों से कहूंगी कि बर्फ का इस्तेमाल हरगिज ना करें, सच बताऊं। और नुकसान बात है कि मैं अपने बेटे की खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी कल आपसे बात हुई थी, मैंने बताया कि परसों मदर्स डे था तो मेरे बच्चों ने सेलिब्रेशन किया, घूमने गई थी, मैंने इनवाइट किया था आपको, हम पूरे दिन बाहर थे। अच्छा अच्छा, अब रात को हम लोग घर आए, अब मैं सुबह होते हम लोग घर आए, मजा आया खूब, बहुत मजा आया, इतना यादगार, इतना कि मैं अपने बच्चों की इतनी मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी, बेटियों ने अलहदा सेलिब्रेशन की, बेटों ने अलहदा, वाह जी वाह। तो इस तरह हम सारे दिन बाहर रहे। बहरहाल कल मेरी इंतहाई तबीयत खराब थी, थक गई पूरे दिन, थक गई क्या, मुझे लू लग गई, बहरहाल मुझे नहीं पता, मेरी बहुत कल तबीयत खराब थी। अब मैं डॉक्टर की दवा नहीं लेती, मैंने मुस्तफ़ा को बोला, मैं इतनी यानी एक डेढ़ बजे मैं इतनी डाउन हो गई थी कि मुझे, मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुस्तफ़ा मुझे इतनी वीकनेस हो रही है। मेरा बेटा ना जो मुस्तफ़ा धोने थे, इसने कहा अम्मी बैठ, मेरे पार्लर से उठा के मुझे अपनी क्लिनिक ले गया, इसने मुझे इतनी दवाएँ दी, मुझे नहीं पता इसने मुझे क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। क्लास हो रही है मेरी, दो बजे तक मैंने क्लास दी, उसके बाद मुस्तफ़ा के पास चली गई। तीन बजे मुस्तफ़ा के एक पेशेंट आने से उन्होंने कहा, नहीं मुस्तफ़ा ने कहा मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं आज आपको नहीं देख पाऊँगा। वो ये सुन के घबरा के आ गए क्लिनिक, मैं मुस्तफ़ा की क्लिनिक में थी। तीन बजे मुस्तफ़ा ने कहा अम्मी आप कैसी हैं, मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इसने मुझे इतनी दवाएं दी, इतनी माशाल्लाह से, मुझे कहा आप बैठी रहेंगे मैं आपको दवाएं खिला, 2 से 2:30 बजे मैं इसकी क्लिनिक में थी और 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक माँ हूँ लेकिन मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इसकी हर बात बड़े असल में। एक और भी बात होती है जब हम कहते हैं ना ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वजह ये होती है कि वो आपकी बॉडी आपका इंटरनल चीज़ों को समझते हैं, जिसकी वजह से वो आपको फॉरन ट्रीट भी कर लेते, तो यही रीज़न है वो बेहतरीन तौर पर आपको। मेरे दामाद हैं वो फ़ोन करते हैं, मुस्तफ़ा मिगे हो रहा है, उनके ससुर सास हैं, मुझे अच्छा है ना चले, ये तो अच्छी बात है घर में एक डॉक्टर है जी, अल्लाह अच्छा, हम चलते हैं कच्ची लस्सी की तरफ। अब इसके नुकसान तो मुस्तफा ने बता दिए कि भाई क्या किन हालात में नहीं पीना है। आज मैं आपको बता रही हूँ एक कच्ची लस्सी, दही की लस्सी, और दही की लस्सी यानी बतौर इलाज बता रही हूँ वो लोग जो मैदे की गर्मी का शिकार है, जिनके मैदे में बहुत ज्यादा तेजाबियत है, उन लोगों के लिए ये मैं लस्सी बना, दही की लस्सी बनाना बता रही हूँ कि दही की कच्ची लस्सी कैसे बनेगी और कौन सी दही की बनेगी। सबसे पहले जो मेरा आसान तरीका है मैं वो बता दूं कि मैं अपने घर जो दही जमाती हूँ वो इस तरह जमाती हूँ कि मेरे घर फ्रेश दूध आता है, रात को हम लोग उबाल लेते हैं उसको बहुत अच्छी तरह, 2-3-4 उबाल देते हैं, उसके बाद छन्नी से ढक देते हैं, सुबह उस पर बहुत मोटी मलाई की लेयर आ जाती है, वो हम उतार देते हैं, वो उतार के फ्रिज में रख देते हैं, वो हम अपने नाश्ते में या मक्खन या घी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे पास दूध रह जाता है वो स्किम दूध कहलाता है, स्किम मिल्क कहलाता है, उसका पूरा मलाई क्रीम सब कुछ उतरा हुआ है, घी फैट वगैरह आपने निकाल सब कुछ उसका हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद इस दूध को हम गर्म करते हैं दोबारा से और इसकी दही जमा देते हैं, और आप लोग भी इसी तरह करें। ये उन लोगों के लिए, आप सबके लिए तो है क्योंकि इसका जो चिकनाहट है वो फैट में इजाफा करता है। अच्छा। और हजम होने में बहुत देर लगती है लस्सी। अच्छा। अगर आप प्योर दूध की यानी पिएंगी लस्सी, प्योर दूध की दही की लस्सी पियेंगी वो हजम होने में बहुत देर लगाएगी और सम टाइम उसे तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अच्छा। वो घी आपको फायदे के बजाय नुकसान दे रहा होता है और बहुत देर और फिर आप पीने के बाद आपकी तबीयत इतनी भारी हो जाएगी कि अगर आपने दोपहर में 11-12 बजे 1 बजे पी ली, खाने से पहले पी लिए तो खाना ही नहीं खाएंगे, रात में अगर पी ली तो रात का खाना नहीं खाएंगे, बहुत हैवी हो जाती है। मैंने कहा मैं तो टूटनी हो जाती हूं और इसी पीते ही नींद जी खुमार आता है। जी 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 खुमार जी जी नींद बड़े मजे की आती है। दुबले पतले आदमी के लिए सही है लेकिन जो बीमार है बड़ी उम्र का है उसके लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये जो मैं आपको दही इस तरह स्किम मिल्क की आप दही जमाइए और आधा कप, देखिए मैंने इसको क्वांटिटी भी पूरा नहीं भरा। अच्छा। इतना कप आप दही ले लीजिए और 2 गिलास पानी। अच्छा अच्छा ये मैं बता रही हूँ दही बतौर इलाज जिनके मैदे में गर्मी है उन लोगों के लिए, उनके मैदे की गर्मी को खत्म करने के लिए। और ये है गोंद कतीरा जी। अब आप कहेंगे गोंद कतीरा, अब ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जो आज मैं आप लोगों के बात आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रही हूँ ये है गोंद कतीरा। ये असल को इस साइड रखें वो प्लेट कवर अप हो रही है ऐसे। ये है गोंद कतीरा, ये है असल फॉर्म में और ये असल फॉर्म बहुत सख्त होती है, इसको आपको रात को भिगोना होता है और सुबह तक ये नर्म होती है लेकिन अच्छी तरीके से नर्म नहीं होता। कोई भी गोंद हो, गोंद कीकर हो, गोंद कतीरा हो, गोंद बबूल हो, कोई भी गोंद हो आपके पास, चुनिया गोंद हो, आपको गोंद को हल्के से सौते करना है। ये देखिए इतना सा इतना सारा हो जाता है फूल के, ये इसकी सौते की हुई शक्ल है, ये देखें ऐसे हो गया गोल गोल, ये देखें यानी ये इतना बड़ा दाना, इतना बड़ा दाना, इतना बड़ा बन गया, समझ गए। और अब इसको आप पूरे गोंद को, आप गोंद कतीरा को ले लीजिए, जितना आधा पाव ले लें, एक पाव ले लें, हल्के से सौता करें। एक कॉलर बात कर ले फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी बहन आपने कहाँ से कॉल की, क्या नाम है आपका? मैंने हैदराबाद से कॉल की एंड मेरा नाम इकरा है। इकरा कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। रानी आपा से क्या पूछना है? जी जी मुझे उनसे पूछना है हेल्थ के बारे में। ओके प्रोग्राम देख रही हैं आप, हैदराबाद में आ रहा है चैनल? जी मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा कैसा लगता है आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है आपका शो, आपका शो मेरी फैमिली देखती है डेली, रोज देखते हैं हम लोग सब मिलके। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा जी और क्या कुछ कहना चाह रही हैं तो कह दें फिर हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।
आप मुझे लग रहा है टेलीविजन को देख के बात कर रही हैं या मुझसे बात कर रही हैं? मैं टीवी चल रहा है पर वॉल्यूम उसका कम है और मैं कॉल पे आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाह रही है, जल्दी से कह दे मेरी शहजादी, जल्दी से, क्विकली। जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत, और आप बहुत अच्छी हैं, और मुझे जो आपके साथ है ना उनसे मुझे पूछना है, जैसे कि होता है हमारे बाल हैं ओके बहुत गिर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बताए। मुस्तफा साहब से, आपके बाल कब से गिर रहे हैं? मेरी कजन है, उसके बाल बहुत मतलब गिर रहे हैं। कितनी अच्छी कजन हो तुम, अपनी कजन के लिए इतनी दुखी हो रही हो। चले हम बिल्कुल बताएंगे करा, बहुत शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, पहले हम आपा इसका मसला, फिर आपने इकरा को बताना है उसकी कजन के बाल गिर रहे, गंजी हो जाएंगी उनकी कजन जल्दी से, कजन की शादी तो नहीं हो रही। चले जी, अब चल रहे हैं जिगर की हिद्दत कम करने के लिए। रानी आपा ने कहा है कच्ची लस्सी कैसे बनेगी। जी, ये आपने गोंद कीकर जो ये मेरे पास है, गोंद कतीरा, मैंने बताया कोई भी आपके पास गोंद है, पहले इसको हल्का सा सौते करेंगी यानी फुला लेंगी, उसके बाद किसी बॉटल में महफूज कर लेंगी। अब ये एक मुट्ठी आपने इतना गोंद लिया और रात को आपने एक कप पानी में ठंडे में, और कोशिश करें मिट्टी का कूजा हो, इसमें आपने भिगो दिया, जबरदस्त जबरदस्त आपने भिगो दिया, और उसके बाद एक गिलास पानी ले लें या एक कप ले लें या दो गिलास पानी ले लें, ये दोनों आप यूटिलाइज करेंगी गिलास, दो गिलास पानी में एक मुट्ठी आपने ये गोंद की कतीरा को भिगो दिया। उसके बाद सुबह को नहार मुंह आपने ये इतना कप दही का लिया और ये दोनों गिलास, दोनों पानी के गिलास, एक गिलास में भिगोया, दो गिलास में भिगोया, ये इसके अंदर ऐड करेंगी और इसको या तो मदानी से वो कर लेंगी और या फिर ब्लेंडर के अंदर, आजकल तो सबके पास ब्लेंडर है, आप ब्लेंडर के अंदर ये लस्सी बना लेंगी। गोंद कतीरा जो आपने भीगा हुआ रखा, ये दो गिलास आपके पास तैयार हो गए। ब्लड प्रेशर आपको नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो एक चुटकी नमक डाल लीजिए, इसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की मरीज है तो ना डालें, इसी को आप लस्सी को इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम एक गिलास सुबह पी लें, एक गिलास सुबह पी लें, एक गिलास, ये दो गिलास हैं आपके पास, और एक गिलास दोपहर को खाने से पहले और एक गिलास बस रात को ना पीजिए। अच्छा, ये जो अभी इसको क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल दें डायरेक्ट, इसको ब्लेंड कर लेंगे ना, ये आपने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ठीक है, पानी में भिगो के रखा है, एक गिलास पानी में एक मुट्ठी गोंद कतीरा भिगो दें या दो गिलास पानी में भीगेगा इतना ही। अब ये दोनों गिलास या एक गिलास ये जो आपने भिगोया है ब्लेंडर में डालें और इतनी ही दही डालेंगी घर में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको अभी कुन गोंद कतीरा जो आपने तवे पे सेका, आपको इसको कितनी देर भिगोना है? रात को भिगो देंगी ना मिट्टी के प्याली में, शीशे की प्याली में, मिट्टी की प्याली। प्याले से फायदा क्या होगा, हम ये तो नाज़रीन को बताएं। देखिए जो फायदा है, मेटल होता है ना, मेटल के अंदर खुद जो क्रिस्टल होते हैं वो इसके अंदर जस्प हो जाते हैं। अच्छा, वो फायदेमंद नहीं होता। मट्टी के क्रिस्टल अगर इसमें आएंगे, एक तो मट्टी का क्रिस्टल आएगा नहीं, उसमें पानी शफाफ रहता है और मट्टी चूंकि मट्टी की जो तासीर है वो ठंडी है। अच्छा। इसमें आप जो अगर दही रखेंगी वो ठंडी तासीर होगी। आप कोई दवा भिगोएंगे, जैसे हम आपको हजारों अपनी दवाएं रात को भिगोते बताते हैं कि नाब आपको रात को भिगोना है, आपको गोंद रात को भिगोना है, आपको तुखमलंगा रात को भिगोना है, आपको सूखा धनिया रात को भिगोना है, आपको हम जो शुगर के लिए बताते हैं दवाएं पनीर बूटी वो भी रात को भिगो क्या बात है? अब मैं तो हर्बलिस्ट हो गई हूँ, क्या कह रही हूँ, बिल्कुल। तो ऐसा जो है ना रात, एक तो रात का टाइम ठंडा टाइम, जो कुदरत ने चांद की शोरे है चांदनी की, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी ताकत रखी है, बड़ी सलाहियत रखी है, उस वो जज्ब हो जाती है। दूसरे मट्टी के बर्तन की खासियत ये कि वो ताजा चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर से कुछ इसमें ऐड नहीं। अच्छा, आप एक ये तो हो गई, हम लोगों ने ये तो ड्रिंक हम बनाए तो हमें फायदा, एक बात की जिस तरह कहते हैं खून साफ होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट पता क्या है, हमारे बच्चे या हमारी हमारी जो ग्रूमिंग चल रही होती है, और कुछ माएँ अभी भी अपने बच्चों को थोड़ा कड़वाहट चीज़ों को इस्तेमाल करवाती हैं और उनको यूज टू बनाती हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ में नमकीन, मीठा ड्रिंक, आइसक्रीम, अच्छे अच्छे खाने, घर में क्या पक रहा है, बिरयानी, कौरमा, पिज़्ज़ा, मुझे बताएं वो बच्चे, तभी तो हमारे अंदर खून की अंदर जो ज़रूरत, सारी प्रॉब्लम्स इस ब्लड से होती हैं। मैंने अभी वॉक करने की थी, थैलीसीमिया के ऊपर गई थी मैं, और मुझे
वहाँ जब बच्चों को देखा तो उन्होंने सारी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, ना वो शादी कर सकते हैं, उनकी कभी भी देखो मौत भरक है, कभी हमारे साथ भी हो सकती है, डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन उनका जो जिस भी बच्चे को थैलेसीमिया ब्लड पूरा चेंज होना और ब्लड चढ़ना इतना आसान नहीं है, यानी कि पूरी फैमिली उस एक बच्ची या बच्ची की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी वहाँ पर, मैं देख रही थी पूरा, मैंने कहा जिसके घर में अगर थैलेसीमिया का पेशेंट है उसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी, ये बड़ी तकलीफ दे मरहला है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी मैं कभी करेले काट रही होती हूँ ना तो मैं एक हाथ उठा के मुँह में डाल लेती हूँ, यूज़ टू, मेरी मदर ने अल्लाह उनको बख्शे उन्होंने सिखाया जैसे कि ये फ़ायदेमंद है। वो पकाती थी हफ्ते में एक बार 15 दिन में मेरे घर में करेला प्याज टमाटर के साथ बनता था, ठीक है। कभी कभी होता है कि वो कीमे भरे करेले भी बनते थे, ये भी बताऊं धागा मेरी अम्मी उस पे चढ़ा के। अब आपने ये बात इतनी अच्छी की, मैं इस बात पे बताऊं कि मेरा घराना एक तिब्बी घराना है। जी जी, मैं बारह बताती हूँ कि जो मेरा ताल्लुक है एक तिब्बी घराने से है, मेरे फोर फादर हिकमत करते आए हैं हमारे यहाँ बच्चों को मुझ समीत। जी जी, जैसे जब मैं छोटी थी तो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है, मैं भी अब एक दादी हूँ, तो हमारे यहाँ बच्चों को गर्मियों के दिनों में नीम की 7 कोंपले रोज़ाना हमारे यहाँ 7 दिन तक खिलाते हैं, नीम की 7 कोंपले जो इतनी सी लाल रंग की पत्ती होती है ना नीम की, उसके अंदर एक दकनी मिर्च रख कर, और वो पहले एक खाए चबा लें, उसके बाद पानी पी लें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, 7 कोपले 7 दकनी मिर्चें 7 दिन तक हमारे यहाँ। मैंने भी खाई, मेरे बच्चों ने भी खाई, उनके बच्चे भी खा रहे हैं और इंशाल्लाह उनके बच्चे भी खाएंगे। आपकी बात में बहुत वजन है कि मीठा मीठा ये ज़िंदगी को जहर बना देता है, मीठे को मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, ये ऐसे मुहावरा कहते हैं, थू थू पे जा चलिए जी, इसमें एडिशन के मुसफा करेंगे। ये देखिए जो बात किया आपने, अच्छा नीम की निपोलियां, यकीन करें आप लोगों को लगता होगा पर वो येलो येलो जब हो जाती है ना, बिल्कुल वो जरा सी लेसदार सी होती है, मैं तो खा जाती हूँ, छोड़ती ही नहीं, बहुत फायदेमंद है। मैं तो ऐसे उसका थोड़ा सा यूं करो, उसको यूं निकालो, उसमें से हल्का सा रस आता है और वो आपको लगता है कि लेकिन वो मीठा होता है, लेकिन वो फायदेमंद होता है। अभी हम परसों जब फार्म हाउस पे गए थे तो मैंने दरख्तों का गोंद खाया, इन लोगों ने निकाल के दिया दरख्तों में से ताजा, ये असल में ये नीम का गोंद बहुत अच्छा। एक होती है खून साफ करने के लिए जिन्हें कहते हैं चोंचे हैं, वैसे वर्ड पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है, वो इतना सी होती है डंडी हरे रंग की, उस पर ऐसे कांटे नुमान नजर आता है लेकिन नरम होते हैं वो, उन्हें हम लोग चोंचे कहते हैं, और उनको वो कड़वी बहुत होती है, और वो थोड़ी मिकदार में जो आप उसको जैसे करेले का टेस्ट है ना जस्ट लाइक ऐसा है, और वो बहुत वो स्पेशल ब्लड के लिए होती है। आप लोग अपनी जबान में कुछ और कहते हो कि सब्जी है वो सब्जी, और आप लोग शायद अपनी जबान में मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, करेले का अम्मी बनाती थी कीमा डाल के उस पर धागा चढ़ा के ऐसा बनता था, प्याज वगैरह के साथ, आप तो अम्मी बनाती होंगी ना रानी आपा, तो हमारी जिंदगी में करेले को हम इग्नोर नहीं करते घर में, हम आगे बहने भी ऐसे ही हैं, और हम लोग सबको बहुत मजा आता है कि हम जब दिन प्याज और करेले की सब्जी बनती है, और हमें कड़वा भी नहीं लगता, चने की दाल करेले, प्याज करेले, सादे करेले, कीमा करेले, पानी आ गया इतना, देखो लोग करेले पसंद करते हैं एक तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सभी, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपका नाम कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम शाहीन है, मैं पिंडी से बोल रही हूँ। पिंडी से शाही, तू शाही है बसेरा कर, रोज ही देखते हैं पिंडी वालों, बस मैं आपके लिए इतना प्यारा शेर कह रही थी शाहीन। हाँ जी बताओ ना, सुनाओ ना। आप पिंडी में होती है ना, पिंडी में होंगे बड़े बड़े पहाड़, तू शाही है बसेरा कर, पहाड़ों की चट्टानों पर, वो वाली शाइन तो नहीं है ना, बस वही समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ मैं सबके जाऊं, खुश रहो, आबाद रहो। कैसा लग रहा है प्रोग्राम देख रहे हो आप? प्रोग्राम रोज देखेंगे, मैं तो रोज देखते हैं, मेरे ज्यादा मेरी बच्ची देखती है, उसने एक दफा आपको एक गाना भी सुनाया था। ओ तेरी खैर हो। अच्छा आप अच्छा, इसी के बारे में बात करना चाह रही थी, अभी रानी आप बता रही थी ना जी जी जीरा गोंद, और तो वो कह रही ना एक मुट्ठी 2 ग्लास में एक ही दिन में पीना है वो। बात करें आप, बात कीजिए जी जी। गोंद कतीरा आप एक पाव ले लीजिए, उसको हल्का सा सौते करने के बाद ऐसा फूल जाएगा। एक पाव ले लो, एक पाव ले लीजिए, आधा पाव ले ले, एक पाव ले ले, एक साथ ले ले,
और फिर उसको हल्की सी आंच पर भून लीजिए, वो इस तरह से फूल जाएगा। उसके बाद किसी जार में आप रख लीजिए और रोजाना एक मुट्ठी एक से दो ग्लास पानी में रात को भिगोना है। एक मुट्ठी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, आपने कितना बनाना है? एक गिलास, अगर इन्होंने एक गिलास बनाना है तो एक कितना? दिन की खुराक कह रहे हैं, एक दिन की खुराक के लिए जी। ये अच्छा। एक ये फूली भी एक और ये सूखा हुआ भिगोना है, जो रात को पानी में भिगोना है। सूखा हुआ इतना होगा? अच्छा, थोड़ा बाद में इनको समझाओ, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चले ठीक है, एक एक काम करते शाहीन, आपको ना पूछे क्या थोड़ा सी और मैंने सुन लिया, मेरी बच्ची है ना 22 साल उम्र है, इसकी पेट में ना तजादियत रहती है, इसलिए मैंने कॉल की और उसमें दर्द भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहन आपने सही कहा कि आप अगर चाहें तो उसकी मिकदार कम कर सकती है इनिशियली इब्तदाई तौर पे, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकती है मिकदार, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने बता दिया कि आप एक मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी आपको लग रही है तो आप थोड़ा कर लीजिए। ये वाली मुट्ठी तो नहीं समझ रही? हाँ वो ज्यादा हो गई ना, इसीलिए तो डर गई। नहीं नहीं ये नहीं, इतना साफ देखे ना ये। अच्छा मेरी बच्ची कह रही है आपस ये भी पूछे ना, मतलब तजादियत रहती है मेरे। बिल्कुल, अभी अभी मुस्तफा भाई, मुस्तफा साहब की, मुस्तफा साहब बताएंगे तजादियत को कैसे दूर किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। और इसको खाना हजम नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, कई साल हो गए हैं। कितने साल की है आपकी बेटी? ये 22 साल की है। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी पूछ डॉक्टर ये कहते हैं तजादियत है, तजादियत है, खत्म ही नहीं होती। अच्छा ओके, खाने कैसे खाती है आपकी आपकी बेटी, खाने कैसे पसंद करती है, जैसे मिर्चों वाले ही ऐसे? नहीं हम मिर्चें बहुत कम खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया है। तो फिर क्यों तेजाबियत हो सकती है? इस बच्ची को अल्सर होगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको अल्सर तो नहीं है? नहीं, वो सब चेक करवा लिया, डॉक्टर कहते हैं तेजाबियत है, बस इसको दही दें, लस्सी दें, वो दें। अच्छा दही खाती है तो इसको मतली हो जाती है, ये सही नहीं है। चलिए इसका अल्टरनेटिव कोशिश करते हैं, किसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है। बहुत शुक्रिया शाहीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा दही उसको सूट नहीं करता, अब बताइए क्या करना। देखिए तीन वर्ष से पहले बात करते हैं हम थैलेसीमिया। देखिए थैलेसीमिया जो है ना एक ऐसा मर्ज है जो अल्लाह के हुक्म से क्योरेबल है, ठीक है। अच्छा 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक अगर ये है तो इसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा देखिए जो बात की ना वो सारी, देखिए जब कोई मसला बढ़ जाता है तो वो अलग कान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की शादी भी होती है तो उन लोगों के सारे मामला अल्लाह के सही हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला है ना ये है वाइट सेल्स का, वाइट का मत, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज अल्लाह के हुक्म से किया जाता है और इसका इलाज 100% हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अब लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसी में फ़ोन करते हैं, इसी में जवाब चाहते हैं। देखिए अब जैसे इनकी बच्ची है, न जाने कब से ये मर्ज है, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर कहता है, देखिए ना ये होम रेमेडी से क्योरेबल नहीं है। जब डॉक्टरी इलाजों से फायदा नहीं हुआ, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि आपको प्रॉपर, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ना बहुत जरूरी है, फिर उस वक्त ये रेमेडी काम नहीं करती। मैंने कहा कि इसका ताल्लुक लिवर से है, इसका ताल्लुक व्हाइट सेल्स से है। बिल्कुल ठीक, व्हाइट सेल्स वो मादा है जो खून को जमाता है, इसमें क्या है कि वो नसें कमजोर हो जाती हैं और खून जमता नहीं है तो खून बेहतर। अच्छा दूसरी बात ये कि आंवला, सीकाकाई, रीठा और माल कंगनी, ये चार ले लें, इन चारों चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद 1/2 टीस्पून सुबह दोपहर शाम खाइए पानी के साथ। और दूसरा रीठा से सर्द होइए, अब बच्ची का खून आया था उसका प्रॉब्लम ये था कि वो बाल गिर रहे थे, रूखे हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, तो ये सुम्मा इंशाल्लाह उस बच्ची को बहुत फायदा पहुंचाएगा। हमारे साथ कॉलर है फरहत मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आपके आपका शो बहुत अच्छा है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती हैं। हाँ अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी क्या पूछना चाहते हैं? अभी मेरी बेटी है, उसके बाल बहुत कट रहे हैं। दो साल पहले टाइफाइड हो रहा उसको, हुई हुई तो टाइफाइड हुआ था उसको। अच्छा तो उससे बाल झड़ गए होंगे, तो नए नहीं आए उसके बाल बच्ची के? नहीं आए, झड़ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, कितने साल की आपकी बच्ची है? वो है 19 साल की। अच्छा तो ये 2 साल पहले हुए थे और अभी उसके बिल्कुल नहीं आ रहे या थोड़े थोड़े आए हैं? बाल गिर रहे हैं उसके, अभी भी गिर रहे हैं। तो आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक शिफा देगा।
अभी मैं हकीम मुस्तफा साहब से कोई बात करना है, हकीम साहब इनसे कुछ पूछना है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल किया, निकाला हाफिज मुस्तफा साहब, इनको जरूर बताइए। तीन बातें हो गई, पहले मैं बताया भी आमला, रीठा, सीकाकाई और माल कंगनी, इन चारों चीजों को ग्राइंड करके हाफ टी स्पून दिन में तीन मरतबा खिलाइए, और रीठा से इस बच्ची के भी सुबह में सर धोइए। दूसरा काम ये, आप ले लीजिए फिटकरी बिरिया और मंगा लीजिए काफूर बिरिया, दोनों ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद सुबह नहार मुँह एक टेबल स्पून ले लें गाय का दूध, उसमें डालें ये दो चुटकी और ये बच्ची को खिलाइए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ताला से इस बच्ची का टाइफाइड, जो जिगर पे गर्मी है, वो कम होगी, और दूसरा इस नुस्खे से सुम्मा इंशाल्लाह इस बच्ची के बालों में बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये लगातार करिए। बालों के लिए हमारा हेयर टॉनिक कमाल है, गिरते रानी से हेयर टॉनिक गिरते बाल रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने लंबे काले मजबूत करेगा, वो इस्तेमाल करके देंगे 100% रिजल्ट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा रिफत है रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब बात करनी है, रानी आपा से भी और डॉक्टर साहब से दोनों से मुझे मशवरा चाहिए। जी जी, बेटी है छोटी, उसकी एज है तकरीबन 7 ईयर। अच्छा, तो उसके मुंह में ना छलियां बहुत बनती हैं, हर वक्त उसका मुंह अंदर से जो है ना खराब रहता है, वो बेचारी खा पी नहीं सकती, बहुत रोती है। अच्छा, अक्सर उसको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला बन जाता है। ओके, वही मैं देखी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अभी गौर से प्रोग्राम देखिएगा, जरा मैं कहूंगी जल्द जल्द से इनके आंसर दें, बहुत ज्यादा कॉल्स हो गई है। जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है तुखमे रेहान। तुखमे रेहान, ठीक है, और कोड़ तुम्बा, ठीक है, जो ग्राइंड करने के बाद इस बच्ची को रोजाना एक टी स्पून ये खिला दीजिए, और सुबह शाम इसकी नाक में और नाक में तेल लगाइए। 2 साल की बच्ची है। अच्छा 2 साल, तो बस तुखमे रेहान ले लीजिए, और ले लीजिए तुख मलंगा, बस ये क्वार्टर टी स्पून इस बच्ची को दूध में मिला के दीजिए, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, अच्छा वो तुख मलंगा बराबर लेकर रख लें अपने पास पीस कर, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को पानी में दूध में जो बच्ची है मजेदार होता है, खिलाइए उससे। अच्छा एक और जो बच्ची ने एसिडिटी की बात की थी जिसकी मम्मा ने, उनका आपने आंसर दिया, छोटी इलायची, ओके, बड़ी इलायची, ओके, रेवन चीनी और सौंठ, ठीक है, ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद एक टेबल स्पून रात को सोने से पहले इसको खिलाइए, सुम्मा इंशाल्लाह ताला इसके पेट में गर्मी या अमूमी तौर पर जो इसका पेट खराब रहता है या मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत है और किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो एक काम, और जड़ी बूटी उसका नाम है चराइता, चराइता ले लें एक टीस्पून, 7 दाने किशमिश के रात को भिगोएं पानी में, सुबह में उठकर छान कर ये पानी पी लें और साथ में किशमिश खा लें, तो इस बच्ची को जो एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो वो बहुत जल्दी इसकी क्योर हो जाएगी। सुम्मन हमारे साथ एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे हाय आप कोई बानो हमारे साथ थी रावलपिंडी से, कोई बात नहीं। अच्छा एक और जो उन्होंने कॉल की थी, टाइफाइड का आपने आंसर दे दिया और एसिडिटी का भी आंसर दे दिया, लास्ट हमारे कोई हेयर ऑयल की बात। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी बानो बोल रही हूँ, मैं झंडे से रावलपिंडी। अच्छा रावलपिंडी से बानो, क्या पूछना है बानो आपने? जी मेरा मैदे का मसला है और जो कुछ खाती पीती हूँ ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा आपकी उम्र क्या है बानो? मैं शादीशुदा हूँ, बस थोड़ी हल्की सी उम्र, 15 साल में शादी हो गई थी, 30 साल तो हो गए शादी को। अच्छा ठीक है ठीक है, हकीम सब कुछ पूछना है। सही, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने। ओके मैदे का मसला जी, इनका क्या जवाब देंगे? देखिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम के एतबार से ये कच्ची लस्सी जो बताई अम्मी ने ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप ले लेंगे ये गोंद कीकर, ओके, गोंद कफरस, ठीक है, और रेवन खताई। अच्छा गोंद कीकर, गोंद कफरस और रेवन खताई। अच्छा ये 3 चीज ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद हाफ टी स्पून खा लें हर खाने से पहले, और उसके साथ में लहसुन और पुदीने की चटनी बनाएं, ये चटनी खाएं हर खाने के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुम्मा इंशाल्लाह इनकी। अच्छा आपा वो क्या चीज होती है वो जो मैं मुझे उसका नाम नहीं आता लेकिन मैंने खाई है, दही की बनी होती है डिलिया सी, मैंने अक्सर लोगों को उसको ना यूं चूसते देखा है और बड़ी मजे की। अच्छा जी हमारे साथ महा, मैं कहाँ से?
लाहौर से माम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ माम, क्या पूछना है आपने? जी मैंने रानी अप्पा से पूछना था जी। ये हमारे ना मेरे बाल बहुत ना गिरते हैं और एक बहुत ज्यादा सिल्की हैं जी, तो उनके लिए कायने कुछ बता दें। अच्छा, सिल्की सिल्की बाल जो है, स्कैल्प जो है आपका चिकना तो नहीं रहता? आपका जो ये सर है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, चिकनी तो नहीं रहती? तो जल्दी से उस पर जब आप धोती हैं, जल्दी से ऑयल आ जाता है या पसीना आ जाता है? नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, अल्लाह हाफिज़ जी। आप इनके बारे में बताएं। इन्होंने कहा कि इनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, वाकई से बहुत ज़्यादा सिल्की बालों से इंसान परेशान हो जाता है, कुछ बन ही नहीं सकता। आप जो भी अपना शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं उसको बंद कर दीजिए, और इसके बजाय आप आंवला, रीठा और सिकाकाई, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। आजकल तो पिसाई बाज़ार में मिलती हैं ये। एक कप पानी में एक जो चावल खाने का चम्मच होता है वो भिगो दीजिए, और जब भी, और थोड़ी देर पहले नहाने से पहले भिगो दीजिए, और जब भी अपने बालों को वॉश करें इसी के साथ वॉश करें। इससे बालों में थोड़ी सी हेल्थ आएगी और जो बेतहाशा आपके सिल्कीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी रफनेस की तरफ आ जाएंगे। अच्छा। बालों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। बालों से रिलेवेंट दो तीन लोगों ने कॉल की है और पूछा भी है बालों, तो अगर हमारे बालों को हेल्दी होना चाहिए और जैसे कुछ लोगों की बिला वजह से गैप सा लगने लगता है, तो कैसा हमें क्या करना चाहिए बालों के लिए? देखिए, बालों का जो इशू है वो तीन तरह का है। एक खुश्की की वजह से है, एक ज़्यादा ऑयल की वजह से है, और नॉर्मल तौर पर कुछ लोगों के सर में हो जाता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी होता है। तो तीनों का एक ही इलाज आप ले लेंगे, सिरका मंगा लेंगे, गन्ने का सिरका आम मिल जाता है, गन्ने का सिरका ले लें, और उसके अंदर सिर्फ एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है इस्ताखुद्दूस, बस। अच्छा। ये शामिल कर दें, 100 ग्राम ले लें सिरका, उस पर 10 ग्राम शामिल कर दें इस्ताखुद्दूस, ये रात को भिगो दें। अच्छा। और सुबह में उठकर इस तरह इसमें हाथ डालें और इस तरह से अपने सर के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा लें, और किसी भी आम शैम्पू के साथ जो है वो रोज़ाना सर धोइए, तो इंशाल्लाह इससे तीन फायदे होंगे। सबसे पहला, जो बालों में डैंड्रफ आ रही है, दूसरा जो सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तीसरा जो बाल बहुत रूखे हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन फायदा पहुँचाएगा। हमारा हेयर टॉनिक और शैम्पू इस्तेमाल करें, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है, बरसा बरस से आजमाया हुआ है, तो अगर आपकी सहूलत के लिए मौजूद है तो क्यों ना वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जिन लोगों को ज्यादा सीवियर है ना, तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे लस्सी की, और जिन लोगों को खांसी ज़्यादा रहती है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम कुछ ऐसे आपको बता रहे हैं और उसकी एहतियातें ना होंगी तो फिर वो उस चीज़ का असर नहीं होगा। लाइक जैसे इन्होंने कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन हो, या जिसको ज़्यादा नमूनिया हो जाता हो, सर्दी है या एलर्जी है, तो उसको डेली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। कौन है भाई साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मेरी बहन? शमीम। शमीम लाहौर से। शमीम प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी। क्या पूछना है आपने? मैंने पूछना है, मेरा बेटा ना 12-13 साल का है, उसके बाल ना सफेद हो रहे हैं। सफेद हो रहे हैं 12-13 साल का? ये कब से हो रहे हैं उनके बाल सफेद? तकरीबन 7-8 साल का था, 7-8 साल पहले ठीक थे। अच्छा। तो हम घर बना रहे थे तो ये लोरे मिट्टी जो बच्चे रेत खाते हैं ये खाता रहा, फिर वो ठीक हो गया था। अच्छा। तो अब उससे व्हाइट वाल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, चले हम आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे? इस बच्ची को नजला है बचपन से, तो उसकी वजह से इसके बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं। खून साफ नहीं होता। जब खून साफ नहीं होता तो इसकी वजह से सर के अंदर हिडन डैंड्रफ हो जाता है। जब सर पे खून नहीं पहुंचता तो वो बालों को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से बाल सफेद हो रहे हैं। तो अभी से जो है वो जड़ी बूटी है, उसका नाम है सपिस्ता, बस सपिस्ता ले लीजिए और 1/4 टीस्पून सुबह दोपहर शाम बच्चों को खिलाइए पानी के साथ, तो इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर इसका नज़र बेहतर होगा। नज़ले की वजह से इंशाल्लाह इसके बाल भी बहुत बेहतर हो जाएंगे, यही बार रुक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और चाहें तो हमारे शैम्पू संभाल लीजिए आप,
जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि नज़ला जो है, आपने रोज़े अज़ल से हमने सुना है कि इसके बाल उम्र से नहीं है, नज़ले की वजह से सफ़ेद हुए, यह एक आम मिसाल है। तो जो आपका बच्चा है उसको भी अंदरूनी नज़ला है, उस वक्त माँ बाप को इतना नहीं पता चलता क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, वो सिर्फ सर्दी में ही खांसता है और छींकता है और उसकी आँखों से जब यानी एक्सट्रीम पर पहुँच जाता है, अदरवाइज़ वो चूँकि इजहार नहीं करता तो समझ में नहीं आता। आप ये सब पिस्ता जो मेरे साहबजादे ने बताया इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अंदर से उसकी ये नज़ले की कैफियत पे कंट्रोल हो जाएगा तो खुद ब खुद उसके अंदर खून बनना शुरू होगा। और उसके लिए ऊपर से तो इलाज तेल और शैम्पू जरूरी ही है, तो मैं उसको कहूंगी कि आप रानी जरबल का तेल और शैम्पू जरूर इस्तेमाल करें। चलिए जी, हमारे साथ दोबारा से बानो कॉल पे हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरे अल्लाह, क्या हो गया? कुछ सवाल शायद उनका रह गया था। अच्छा, एक बार फिर इसको रिपीट कर ले, मेरे ख्याल में बानो सुना। इसकी वजाहत बार बार हमने की कि जो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता बानो का क्या सवाल था, एक सॉरी मेरी जहन से निकल गए। वो ना बेटी के मेदे में गर्मी थी, बेटे के बाल सफेद हो गए। आप बताएं, आप बता दें। नहीं नहीं, बानो वो है जिनकी उम्र छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 30 साल शादी को हो गए, वो है जिन्हें खाना हजम नहीं। मेदे का मसला बताया ना मैंने। जी जी, मेदे के मसले के लिए हम ये बता रहे हैं कि गोंद कीकर इस तरह खील कर लें, जिनको ये मेदे के मर्ज का इलाज है, तो उसके लिए आपने रात को एक सुबह रात को आपने एक या दो गिलास पानी लिए और उसमें थोड़ा सा आपने ये पहले गोंद कीकर को सौते करके एक साथ ये कैप्चर कीजिएगा, ये थोड़ा सा आपने ये इतना लिया गोंद कीकर और रात को सोते वक्त एक गिलास या दो गिलास पानी में भिगो दिया इतना गोंद, ठीक है। सुबह उठकर नहार मुंह इस गोंद को या इस पानी को ब्लेंडर में डालेंगी इस गोंद समेत और उसमें इतना कप यानी एक कप से जो हम चाय वाला कप होता है उससे कम दही लेंगे और दही वो वाला जो विदाउट फुल क्रीम है, जैसे मैंने बताया इसके मिल्क का जो दही होता है बगैर क्रीम का दही आप लेंगी, बगैर बलाई का क्योंकि और तरीका भी मैंने आपको बताया था, आप प्रोग्राम देखिएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप क्रीमी फुल ऑफ क्रीम दही लेंगी तो आपको फायदे के बजाय नुकसान देगा और आपके लिए भारी हो जाएगा। और आप इसको डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगी। अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज नहीं है तो एक पिंच इसमें नमक डाल लीजिएगा, अगर खुदा न खासा ब्लड प्रेशर है तो उससे भी अवॉइड करें और कोशिश करें मीठा तो ना ही ऐड करें तो बेहतर है, वरना मीठा किसी सूरत फायदा नहीं होता ना चाय में। मीठी मीठियां गलना करो, हाँ जबान मीठी कर लें बाकी हर चीज छोड़ दें और बस इसको आप कर लीजिए। एक गिलास सुबह नहार मुंह पी लीजिए और एक गिलास, अगर एक गिलास ही आपने बनाया तो सुबह नहार मुंह पी लीजिए, वरना 2 से 3 घंटे बाद पी लीजिए, शाम तक के लिए ये बनी हुई लस्सी मत रखिएगा। फ्रेश करें इसको, एक दो घंटे के गैप से तो यूज कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा मत कीजिएगा, रोजाना कीजिए, इंशाल्लाह मेदे की गर्मी के लिए बेहतरीन है। अगर बहुत ज्यादा ठंड की पेशेंट है, दमा है, खांसी है, नजला जुकाम है तो उसमें अवॉइड करें। अच्छा, उसके नहीं अगर ये लस्सी इस्तेमाल की जाए तो एसिडिटी या मैदे की हिद्दत, क्योंकि मौजू था मैदे की हिद्दत, जिगर की गर्मी, तो उसकी अल्टरनेटिव हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट है, अगर हम किसी भी पर्सन को कहें कि आप लस्सी ना इस्तेमाल करें क्योंकि आपको चेस्ट इन्फेक्शन, फिर क्या करें? तो मलंगिया से बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है, वो दोनों इस्तेमाल करें। साबूदाना, साबूदाना खाएं पानी में, इससे भिन्न कोई चीज नहीं। और सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है तलबीना, मतलब 5 खजूर रात को पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर ये पानी पी लें और साथ में ये खजूर जो है वो खा लें चबा चबा कर, तो ये एक ऐसी नेमत है जो जिगर की गर्मी, मेदे की गर्मी, मसाने की गर्मी और जिन लोगों के हाथ पाँव में शिवरिंग रहती है, कपकपाहट रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। चौथा, जिन लोग पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनके बहुत फ़ायदेमंद है। पाँचवा, जिनके खून में किसी भी एतबार से कोई एलर्जी है उसके लिए। छठा, जिन लोगों को दिमागी मसला है, मतलब टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती, ये उन सब के लिए बेहतरीन नेमत है। इतना वैसे अच्छे बोल रहे थे, दिल नहीं करा स्टॉप करूं, लेकिन हमारे साथ माही लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी अपनी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाइए कैसी हैं आप? जी मैं भी ठीक हूं। माहीन, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, देख रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपका शो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आप होस्टिंग करती हैं। अरे वाह, क्या बात है, लाहौर वाले बड़े मोहब्बत करते हैं हमसे। ब्यूटीफुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या बात है, माशाल्लाह।
ओके, क्या पूछना है आप बताइए, प्लीज आप कम कर दीजिएगा प्लीज। पूछना था कि ना सेहत के लिए थोड़ा सा बता दें कि मैं ना थोड़ा सा हेल्दी होना चाहती हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। अरे रहने दो ना, क्या जरूरत है मोटे होके क्या करोगी? नहीं वो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ इसलिए। एक्स्ट्रा वजन बढ़ाना। पहले ये बताइए कि आपकी शादी हुई है? नहीं। तो छोड़ो ना, चिल मारो यार, क्या हो गया आपको? चले ठीक है, फिर भी कितनी उम्र है आपकी माई? मेरी 18 ईयर्स। पागल लड़की कसम से, रहने दो, वैसे ही तुम्हारी 4-5 साल बाद शादी कर देंगे इंशाल्लाह। फैमिली की तरफ से थोड़ा सा कुछ जरूर, वैसे मैं सच पर्सनल बोलूँ तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना शौक हो रहा है तो हम हकीम साजिद से पूछते हैं कि वो लड़कियां जो बिल्कुल धांग पांग होती हैं, सिंगल पसली होती हैं, तो हकीम मुस्तफा नीस साहब उनको कैसे हेल्दी एंड स्मार्ट कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया माही, अभी हकीम मुस्तफा से पूछे। जी मोटापा है ना, वो दो किस्म, मतलब दो किस्म का है, एक वो है जिन लोगों का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ही पतला होता है, और एक वो है जो नॉर्मल तो कुड़ते रहते हैं। अच्छा, तो भी जो है वो खून नहीं, नहीं भाई ऐसी नहीं है बेचारी, ऐसे ना कर, मैं पहली बार कॉल उन्होंने की, अच्छी बात। तीन चीजें हैं, सबसे पहला जाफरान, ठीक है, दूसरा लेना है रेवन खताई, ओके, तीसरा लेना है गोल्डन बालछड़। अच्छा, दोबारा सुन लेते हैं, जाफरान, रेवन खताई और गोल्डन बालछड़, ओके, बस इन तीन चीजों को ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद क्वार्टर चमचा सुबह निहार मुंह एक गिलास गर्म दूध में डाल के पिए, तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा, रात को सोने से पहले 3 केले खाइए, लेकिन वो केले उल्टे खाइए, मतलब पीछे से खाइए, आगे से ना खाइए, मतलब जहाँ से पड़ेगा, ये तो पहली बार सुन रहा हूं, तो इसका भी एक लॉजिक है। लेकिन जब देखिए, केला जो है ना वो बहुत फायदेमंद है पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, आयरन के लिए और हड्डियों के लिए, अगर इसको उल्टा खाया जाएगा तो ये ऑन द स्पॉट खून की कमी या खून को गाढ़ा करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में चर्बी बन जाएगी। तो यकीन करिए, बड़ा सरप्राइज एकदम मुझे लगा कि मतलब क्या रीजन कि इसको इस तरह से खाया जाए। ये मैंने पहले, ये कोई होगा, कोई वजह होगी, जब भी बताइए। देखिए, सीधा खाया जाएगा ना तो वो डाइजेस्ट ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अच्छा, अगर उल्टा खाया जाएगा तो ये ऑन द स्पॉट नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, एक और कॉलर है, बात करेंगे हिबा मलीर से। अस्सलाम वालेकुम हिबा। जी वालेकुम सलाम। हिबा कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरी जान टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी जी, आप मुझसे बात करें, क्या पूछना है आपने हिबा? मुझे पूछना है कि मेरा ना डे बाय डे ना बढ़ रहा है मेरा, हालांकि मैं इतना खाती भी नहीं हूं, कितने वजन बढ़ रहा है। मोटी हो रही हो? मोटी जी। अच्छा, ओके, कितनी उम्र है आपकी? मैं 26 की हूँ। 26 साल की, तो आपका वजन कितना है? मेरा वजन ज्यादा है, मेरा कितना? 75। हाय रब्बा, तो वो ज्यादा है जी। तो क्या खाते पीते घराने से होगी ना, फिर क्या हुआ? नहीं तो फिर इतना खाती नहीं हूँ, बहुत डाइटिंग करती हूँ, लेकिन जितने वजन बढ़ रहे हैं। यही आपकी गलती है हिबा, कि आपने ओवर जो है ना, आप डाइटिंग बहुत कर रही हैं और ये डाइटिंग आपको सूट नहीं कर रही है, और आपका अच्छा एक मतलब चेहरा भी हैवी सा है, फिगर आपका हैवी सा है, इसी तरह है पाँव वगैरह भारी भारी, हाथ वगैरह इस तरह। जी मेरा चेहरा बहुत बड़ा है, बहुत फूल रही हूँ मैं। अच्छा, ये नुकसान दे, डॉक्टर के पास कभी गए? उन्होंने क्या आपको प्रिस्क्राइब किया? जी मैं डॉक्टर को बोला तो उन्होंने कहा कि आप मुस्तफा को आसानी हो जाए। आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम। ओके ठीक है, इसके लिए तो देखिए ये कोई होम रेमेडी नहीं होती है, फिर आखिर में रानी आपा एक नंबर अनाउंस करेंगी, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इनसे फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कोई होम रेमेडी से चीजें ठीक नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया हिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्तफा सब सही कह रही हो गलत कह रही? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए असल में आजकल जो हमारा प्लान है ना, वो नॉर्मल तो बच्चे खाते हैं जंक फूड बहुत ज्यादा, तो जंक फूड भी एक मर्ज है ना जी, और लोग समझते हैं कम खाने से वजन कम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना कम खाएंगे उतना आपके जिगर पे गर्मी बढ़ेगी, मुझे तो उतना ही है ना आपका वेट बढ़ता रहेगा। तो वो आजकल का असल में कॉन्सेप्ट बदल गया, बच्चे रात को सोते हैं नहीं, सुबह का नाश्ता करते नहीं, और फिर कहते हैं वेट बढ़ रहा है।
तो ये एक खून की कमी की वजह से इसकी वजह आपकी जो है ना कि मुस्तफा जो इंडिकेट कर रहे हैं लाइफ स्टाइल और लेट नाइट आपने जो है सोना, सुबह देर से उठना, फिर बेतुकी चीजें जो है ओवर ईटिंग करना, ये सब आपके लिए नुकसान। मेरी कल एक बच्ची से मुलाकात हुई तो उस बच्ची की उम्र थी तकरीबन कुछ 18 साल, उसका वजन था तकरीबन कोई 90 किलो। ओ माय गॉड, मुझे उससे कहने लगी भाई मुझे बताएं कुछ वेट कम, मुझे घबराहट हो रही है सुनने के बाद। तो मैंने उसको कहा कि भाई असल में आपका जितना भी धान पान है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो है जंक फूड की वजह से, क्योंकि वो बच्ची घर खाना नहीं खाती, सुबह उठती है डील मंगा ली, दोपहर उठी डील मंगाई रात, तो वो देखिए जब जब आप जंक फूड खाते रहेंगे तो फिर क्या करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमा फैसलाबाद से जी, कैसी है नजमा आप? ठीक है, ठीक है शुक्र अल्लाह का। मैंने प्रोग्राम बहुत आपका देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच नजमा। आपने मेरी बहन पूछना क्या? पहली बार मैंने काम लाई है आपके इस प्रोग्राम में, तो सवाल क्या है आपका मेरी बहन वो बताइए। मेरे ना सर में ना बाल नहीं है छोटे छोटे, और ना सर बाल बहुत सारे हैं, लंबे भी हैं बाल, लेकिन ना फिक्री बहुत ज्यादा है बालों में। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा चले अभी बता देते हैं, बहुत शुक्रिया। ये लास्ट हमारे साथ कॉलर है और अब मैं चाहूंगी मुस्तफा साहब इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं बताइए। कफरस, कफरस लेकर उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा ऑयल वाले मिलाकर हमें सर में लगाइए तो इंशाल्लाह ताला वो दाने भी खत्म हो जाएंगे और दूसरा जो आपके सर में कोई स्मेल या बहुत पसीना आता है वो भी इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। 10 ग्राम ले लें कफरस, 20 ग्राम ले लें जैतून का तेल, मिलाकर जहाँ जहाँ ये दाने हैं वहाँ वहाँ पर उसको गोलाई में लगाइए तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसमें बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, और लगा रहने भी दें जी, कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा जितना अफोर्ड कर सकती हैं टाइम, जो कफरस को तेल में मिलाकर लगाएंगी तो लगा रहने दीजिएगा, ये नहीं कि अभी लगाया और अभी धोए, और कोशिश करें कि रोजाना सर धो लें। बेहतरीन, और मैं इनसे लास्ट मैसेज भी लूंगी और मैं कहूंगी कि अपना आपा नंबर भी बता दें, जो सीवियर कंडीशन में जो लोग हैं वो होम रेमेडी से नहीं सॉल्व होता तो वो कंसल्टेड जो है बेहतरीन जो है वो मशवरा आपको देंगे हकीम साहब, तो उसको फॉलो करें इंशाल्लाह, मेडिसिन लें ठीक हो जाएंगी। तो हकीम साहब अपने नाज़रीन को जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें प्लीज़ ज़रूर दीजिए। बस जी जितना हो सके अच्छा खाइए और जंक फूड से बचिए। अच्छा मुख्तसर, आप भी नाज़िम को मैसेज भी दीजिएगा और नंबर भी एंड में बताइए। सेहत अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, अगर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो सेहत को बेहतरीन बनाइए, बेहतरीन खाना खाएं, एतदाल के साथ खाएं और म्यान अरबी के साथ खाएं, और जो मोतेदिल खुराक है वो अपनाएं। और देखिए जो रेमेडी होती है हमेशा टोटका जो होता है इनिशियली होता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम शुरू हुई, यानी यहाँ पे ये हमारे खारिश शुरू हुई तो टोटका काम आ जाएगा, लेकिन जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो प्लीज़ आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, हकीम को दिखाएं, हमारे पास आएंगे अपनी पसंद के किसी भी डॉक्टर या तबीब के पास जाइए, लेकिन प्रॉपर इलाज कीजिए। और अपने लिए मैं अपना नंबर दे देती हूँ, अपने बेटे का क्लिनिक का, अपने सैलून का, ये नंबर्स आप लोग नोट कर लें, इस पर हर तरह की हमारी मालूमात आपको मिल जाएगी, इनसे कॉन्टेक्ट करना हो तब भी। एक नंबर है 02134536845, दूसरा नंबर है 03432260502। जी जनाब ये नंबर आप, अच्छा लगता है आपको, देखिए कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। और बस दुआ गो भी हूँ कि जो कुछ मैं बताऊँ मेरा बेटा बताए, अल्लाह पाक उसमें शिफा के नाम भर दे और आप लोगों को उससे बहुत फायदा, बेहतरीन बेहतरीन आपका आने का और बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सब कुछ पहुंचाने का, ये तमाम मालूमात, ये तमाम अच्छाइयाँ, तमाम खूबियाँ, तमाम सेहत के जितने भी पैगाम ये पहुंचाने का सेहरा जाता है साबी को, वीनस चैनल को, और अल्लाह ताला आपके चैनल को आबाद रखे, बहुत तरक्की दे, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हमने सेगमेंट यहाँ पर तो ख़त्म हो गया और अभी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान आप देखिएगा, लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग विद सभी देखना चाहते हैं, वैसे तो वीनस टीवी पर लाइव स्ट्रीम पर भी आप देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट टेलीविजन है, सब घरों में ये आता है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर हर सूबे में ये देखा जाता है, लेकिन अगर कभी लाइट चली जाए तो आप गूगल पे लिखें गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब,
ईच एंड एवरीथिंग ऑन हो जाएगा, आप आराम से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और रिपीट में अगर इस वक्त आप बिजी हैं, आप देख नहीं पा रहे, तो रात को ये रिपीट 1 बजे ये रिपीट चलता है गुड मॉर्निंग विद सभी, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स के साथ अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो नंबर है 03-15-82-48-704। किसी तरह का भी आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स आप रखती हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो देन कॉन्टैक्ट विथ मी। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर कॉम्प्लीमेंट्री, कोई टेंशन ना लें, सिर्फ आप अपने काम को दिखाएं हमें, हम उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और अल्लाह पाक करेगा आपको और कामयाबी नसीब होगी। हुनरमंद ख्वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, इस सेगमेंट में मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पर, अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श, क्योंकि मॉर्निंग शो का एक खास सेगमेंट है और हम जाते हैं डिफरेंट इवेंट्स में, सेमिनार्स में। और रिसेंटली मैं गई हूँ, एक बड़ी प्यारी कॉज थी, वो थैलेसीमिया, मैं खुद उस इवेंट में गई एज अ गेस्ट और बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट भी देखे। अर्श ने सबसे कमेंट्स भी लिए, बात भी की और उस रैली का हिस्सा भी बनी। और मैं चाहूँगी कि फ्री थैलेसीमिया जो जो कॉज थी वॉक की, वो बहुत अच्छी लगी हमें और थैलेसीमिया के पेशेंट को, और जो इनके तमाम ट्रस्ट जो चल रहे हैं आप उनको जरूर सपोर्ट करें। चलें जी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये है सभी किचन और मेरे साथ शेफ हनान, मेरे साथ हुनैन। हुनैन कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा जी, शेफ हुनैन जो है, मैं इनसे एक बात पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि लौकी और चने की दाल क्यों जो है वो आप क्यों लोग खाएं, आप ऐसा क्या डिफरेंट करें, तो शेफ हुनैन बताएं जी क्या है चने की दाल लौकी। बेसिकली बात ये है कि लोग जो है, बच्चे वगैरह जो हैं, टिंडे या लौकी वगैरह देखते हैं तो फौरन से उनका जो है वो यूं टेढ़े में वो जो है बनना शुरू हो जाता है, जिंगर मंगा दें, पिज्ज़ा मंगा दें। तो बात ये है कि हमें वेजीज जो है, गर्मियां हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज वगैरह यूज़ करना चाहिए, इसमें लाइट करना चाहिए, मीट वगैरह इन सबसे और हार्ड चंक्स वगैरह जो है इन सबसे जो है दूर करने चाहिए। और लौकी सबसे बड़ी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फायदे जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं। चलें, ये बहुत इनके पास बड़ी नॉलेज होती है माशाल्लाह। चलें जी, हम पहले इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। जो है चने की दाल लिए, बॉइल कर लिए हमने, ये 250 ग्राम है। लौकी हमारे पास है, ये भी हमने बॉइल की हुई है, 250 ग्राम है हमारे पास। 1 मीडियम साइज जो है हमारे पास प्याज है, चॉप की हुई है। 2 टोमेटोज हैं, फाइन चॉप हैं, ये हमने ले लिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबल स्पून है हमारे पास ये। ओके, स्पाइस की तरफ हम आ जाते हैं, रेड चिली पाउडर है हमारे पास, 1.5 टीस्पून है। सॉल्ट है टू टेस्ट, जीरा हमारे पास 1/2 टीस्पून है, और पिसा धनिया हमारे पास है, ये हमारे पास 1 टीस्पून है। हल्दी हमारे पास 1/2 टीस्पून है, और हरा धनिया फॉर गार्निशिंग। देन 1 पिंच गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 पिंच हमारे पास काली मिर्च जो पर स्प्रिंकल के लिए। ओके, अब हम ऑयल ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। चलें जी, पैन हमने रख दिया, थोड़ा हीट अप भी हो चुका है, और इसके अंदर हमने सबसे पहले ऑयल ऐड कर लिया। दैट्स गुड, ये और तो नहीं यूज़ करना अभी? नहीं, आप इसको फिर इस मुझे दे दें, मैं उसको पीछे रखते जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शेफ होने हमारे साथ, और आज बन रहा है चने की दाल लौकी के साथ। ठीक है जी, ये पहले थोड़ा गर्म होगा, फिर हम क्या ऐड करेंगे इसमें? इसमें फिर हम उसके बाद जो है अपनी प्याज जो है वो ऐड करेंगे। हो गया गर्म है, क्योंकि मैंने पैन में पहले ही इसको हीट कर दिया था, तो काफी गर्म हो गया मेरे घर में। लाइट आपने इतनी रखी थी? जी जी। ओके, अच्छा जी, हमने आज बना रहे हैं चने की दाल। अच्छा, कसूरी मेथी भी लोग बड़े पसंद से डालते हैं, आपने देखा होगा,
अगर आप ऐड करना चाहें तो मेरे ख्याल में कसूरी मेथी है और कड़ी पत्ता है, फ्लेवर आप जो है वो बहुत सारा देना है। जब कभी मेरा दिल होता है तो मैं तो इसके अंदर जो है वो कोयले का स्मोक दे देता हूँ तो और ज्यादा मजे का लौकी इन दिनों जो है अल्लाह का शुक्र है वैसे तो 12 महीने ही अवेलेबल होती है और लौकी के बड़े फवायद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा और यकीन करें लौकी का लोग अक्सर रायता बनाते हैं और लौकी की खीर बड़े मजे की, लौकी का हलवा बहुत मजे का बनता है, लौकी के कोफ्ते कोफ्ते ये एक यूनिक बात कह दी मैंने, कबाब एक बार बनाए थे इसके छिलकों से और चने की दाल के साथ और बहुत मजा, ऐसा फ्लेवर आता है जैसे कीमे का। ये बहुत पहले ही जरा पता है हम लोग कॉलेज गोइंग होते कुछ ना कुछ, हम जरा कुछ लोग शौकीन होती है ना ये सारी बच्चियाँ हैं तो हमें भी अच्छा लगता था, हम भी जरा हम कहते हैं चलो जी चन वो लौकी के छिलके निकाले उसको बॉईल किया और बन बनाए, चलते थे वो बहुत ज्यादा चलते हैं, चीजें ज्यादा खराब करते थे कॉलेज के जमाना होता है ना वो चीजें ज्यादा हम खराब करते थे। लेकिन आजकल की महंगाई को देखकर जो है ना अपनी पॉकेट मनी से ही यूज करें वरना अम्माओं से जो है कुटाई होगी लौकी। ये बात भी सही है जो हालात चल रहे हैं जो अलाच, अच्छा इसे सौते करने है या थोड़ा ब्राउन करने है? नहीं इसको थोड़ा सौते करेंगे हम लोग, हल्की सी ये लाइट होगी, इसके बाद हम लोग टोमेटो डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम सौते करेंगे इसको। उन्हें मैंने एक चीज आपकी नोट की है कि मैं अक्सर जैसे हम लोग प्याज के बाद फौरन जितने शेफ हैं वो मेजोरिटी लहसुन अदरक डालते हैं उसके बाद टमाटर ऐड करते हैं। आप मुझे ये आज बताएं कि वाई आप क्यों प्याज के बाद टमाटर के बाद लहसुन अदरक डालते हैं? अच्छा टमाटो हम लोग जब डालते हैं तो वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्याज के साथ उसके पानी के जो प्याज का पानी है और टमाटर का पानी है ये दोनों इन दोनों को एक साथ जल्दी जो है वो सॉफ्ट कर देता है। अच्छा। और अदरक लहसुन जो है लोग कहते हैं बहुत से लोग के टमाटर की भी स्मेल आती है ये सब चीजें भी होती अच्छा। हैं तो अदरक लहसुन एक तो प्याज की स्मेल मार देता है और टमाटो की जो स्मेल होती है उसको भी खत्म कर देता है। ओके ये चीज है, इस वजह से रीजन बता दिया। लेकिन हमें एक और सवाल हमने हकीम साहब से किया था वो उन्होंने नहीं बताया, इन्होंने जवाब दे दिया, देखो वो कॉल के चक्कर में निकल गया था। चले खैर अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर में हम नरम हो गए और कई जरा सा सोते हो गया है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमान हम इसमें ऐड करें। टू टोमेटो हमने लिए ये। कोई नाजी हमसे कुछ उनैन से सवाल करना चाहे तो प्लीज, बहुत टैलेंटेड बच्चा है और ये बड़ी डिफरेंट अदाकारी भी करता है बहुत। आज मैं एक बहुत अच्छी उनकी नकल करूंगा, बहुत अच्छी है। कितनी देर में गलेगा इसको, हम जब तक इसको बंद कर देते तुम्हारी आपकी एंटरटेनमेंट नहीं, जब तक ये मसाला वगैरह रख के हम थोड़ी देर स्टॉक रखेंगे फिर हम गपशप उसके बाद फिर ओके। देखें सब मेंटली प्रिपेयर है उन्हें कैच करना क्या है, एक शेफ गुलजार के जो जर्म से मुझे लग रहा है उन्हें। अच्छा आज क्या करने वाले ये बताए? आज वेरी स्पेशल है उनकी, मैं मिमिक्री करूंगा। कौन है? बस वो सरप्राइज, वो मैं करके दिखाऊंगा। चले हम फिर जज करेंगे गेस करेंगे सॉरी। अच्छा किसकी कर रहे हैं? देखें जी बता रहे हैं। अभी करूं? हाँ हाँ करें ना जब तक ही हो रहे हैं। जब तक अभी पहले हम लोग ये थोड़ा सा सोते वगैरह कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट पहले सोते कर लेते हैं उसके बाद। अच्छा ठीक है हमारे साथ कॉलर है बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे ख्याल में हमारी बातों में लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा अब इसको मैक्सिमम कितनी देर लगेगी? ये 2 मिनट हम लोग रखेंगे इसको, थोड़ा सा जो है हमारे टोमेटो जो है वो नरम पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अपने स्पाइसेस डालेंगे और फिर उसके बाद जो है चने की दाल डाल के हम लोग इसको थोड़ा सा। अच्छा आपने कहा था कि लौकी के कोफ्ते या छिलकों के कोफ्ते, किसके कोफ्ते? लौकी के कोफ्ते। अच्छा लौकी के कोफ्ते रेसिपी लेकर आऊंगा मैं, वो भी आप लोगों को जो है बनाना सिखाऊंगा मैं। ओके मेरा अच्छा मेरा है कोई मसला माइक का, मेरी आवाज क्लियर आ रही है नाजीन? किसका है, मेरा या इसका शेफ का, किसका है? दोनों में से मुझे बताएं किसका है ताकि मुझे पता चल जाए शेफ का। अच्छा आप जाएं जब तक मुझे बताइएगा ये इसको कितनी देर लगे। अच्छा 2 मिनट में नाजीन से बात करती हूँ। अच्छा मैंने एक जो उनका जरा सा वॉइस का मसला हो रहा है माइक का, अगर कभी भी मैंने जो पहले बताया था ना कि लौकी के छिलकों के जो है कबाब मैंने बनाए थे, ये बहुत पुरानी बात है, उसके छिलके आप निकाल लें ठीक है और उसके बाद उसको आप चने की दाल जिस तरह बॉईल करते हैं लाइक इसी तरह और छिलकों को भी बॉईल कर लें, उसके बाद उन दोनों को एक साथ मिक्स कर दें पीस लें। अच्छा वो सिल पे जो पिसता है ना
उसकी बड़ी जबरदस्त बाइंडिंग होती है एज कम्पेयर टू अगर हम ग्राइंडर में करते हो मलीदा सा बन जाता, उसका फिर मजा नहीं आता। और आप इसको इसके अंदर चने की दाल और उन छिलकों को जो आप वेस्ट कर लेते हैं उनको आप मिक्स करके उसको ग्राइंड कर लें। तोरी के भी बन सकते हैं, तोरी के छिलके भी इस्तेमाल हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपर उसके ऊपर से छिलका उतार के आप पहले क्रोच लें, वो वाली तीखी छुरी होती है ना नोक वाली, उससे उसके ऊपर छिलके क्रोच लें फिर उसको उतारें, जिसमें थोड़ा स्टफ भी लगा होता है तो वो फायदा होता है। उसके बाद उसको जो है वो मैश कर लें और फिर जो जितने मसाले वसाले ऐड करने आप ऐड करें। देखिए मैंने आपने कोफ्ते नहीं बताया, हमने कबाब बना लिए, कबाब बना लिए। ओके नॉलेज है थोड़ी तो जरा सा हम अपने नाज़रीन के साथ चिट चैट भी कर लेते हैं। ये जी सौते क्या बहुत अच्छा खासा नर्म हो गया। अब क्या स्पाइस डालेंगे? अब इसके अंदर हम लोग जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, दैट्स गुड। ठीक है ठीक है, 1 टेबलस्पून हम लोग जो है वो डालेंगे। ओके और इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे हम लोग ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो खत्म हो जाए। ओके अच्छा, हमने जो है इसके अंदर जो पानी डालना है वो मैंने जो है लौकी का ही पानी यूज किया है। अच्छा, इसके जो मिनरल्स और जो इसका फायदा है जाया ना हो। मैं तो कहती हूँ जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ती जाए ना आप लौकी का बहुत ज्यादा कद्दू और लौकी बहुत इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। लौकी जो है मैदे की गर्मी खत्म करती है, खून की गर्मी खत्म करती है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा जो है आपके मैदे की जो तेजाबियत है वो खत्म करती है, आपकी बालों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, हर तरीके से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वाह जबरदस्त, जोड़ों के लिए दर्द, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वो लौकी का इस्तेमाल करें, बेहतरीन, बहुत ज्यादा इसमें फायदा रहता है। ओके अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस बनाना, 1/2 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। ओके 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, दैट्स गुड। 1 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। ओके 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। ओके सॉल्ट हमारे पास 2 टेस्ट। ओके हस्ब जायका ये मसाला हम लोगों ने डाला। ओके और इसे हम भून लेंगे, ठीक है। और इसमें हमने, ये हमने जो है लौकी का पानी, बॉईल किया हुआ लौकी का पानी है ये, इसी को ही ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर हम फिर इसको इसकी भुनाई होगी। ओके और उसके बाद में हम लोग चने की दाल जो बॉईल की हुई और लौकी वो ऐड करेंगे हम लोग। ठीक, इसको भी हम कितनी देर छोड़ देंगे मैक्सिमम? इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे बस। अच्छा जी, 2 मिनट अपने फिर ले लिए। अब आप बताइए क्या सुनाना चाह रहे हैं वो बताइए। और हमने गैस करना है कि किसकी मिमिक्री कर रहे हैं। चलें जी स्टार्ट कीजिए। आज जो मिमिक्री हम लोग कर रहे हैं जी वो खुद जो हमारी होस्ट हैं उन्हीं की ही कर रहे हैं। अरे नहीं भाई ये तो गलत है। चलो करो मैं देखती हूँ, बड़ा मजा आएगा। चलो करो, चलो देखती हूँ कैसे करते हो। अच्छी नहीं की तो पिटाई करूंगी। हाँ चलो, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग विद सभी में आप सबका वेलकम है। अब हम आ चुके हैं सभी किचन के अंदर। मैं हूँ आपका शेफ, शेफ हुनैन कुरैशी, और हमारे साथ हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंटरटेनर होस्ट। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने देसी तड़का सीजन 2 किया तो इन्होंने झट से जवाब दिया वेरी कॉन्फिडेंट तरीके से, मैं सीजन 1 सीजन 2 भी कर चुकी हूँ। मैंने कहा अरे तेरी खैर, ये तो बहुत गलत सवाल पूछ लिया हमने। तो हम लोग वेलकम करते हैं मिस सभी का, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक बात बताओ, इसमें तो मुझे लगा तुम होस्ट कर रहे हो। मेरी नकल तो ना हुई ना। तो ये इसी तरीके से ये बोलती हैं और सलाम करना ये सब चीजें करना। हाँ ऐसे ही बोलते, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। वो है कि वॉइस वैसी नहीं हो सकती लेकिन किया इन्होंने वैसे ही है जैसे मेरा स्टाइल है, नेचुरली है ना। क्या ये कह दिया वो कह दिया, हाँ सही है, गुड है। और इसके अलावा सुनाओ कुछ और। इसके अलावा बस मदर्स डे गुजरा। हाँ गुड। तो बहुत सब ने स्टेटस वगैरह लगाए हुए थे, बहुत सारी चीजें लगाई हुई थी। तो जिनके नहीं है पेरेंट्स वो थोड़े से गमजदा थे, उन्होंने लगाया क्योंकि मेरे खुद के भी पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा, तो एक मैसेज बस यही है कि अपने वालदेन को जो है ना आप लोग अपना बहुत ख्याल करें, क्योंकि बाप जो है ना वो एक तस्बीह जो है ना, तस्बीह अगर हम उसको एक कॉन्सेप्ट लें जी। तो बाप जो है वो इस तस्बीह का एक ताज है। आए,
अगर वो ताज निकल जाए तो उस तस्बी का जो है वजन कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन माँ, माँ उस तस्बी की वो डोर है, जिस दिन वो डोर टूट जाए सारे मोती जो है वो बिखर जाते हैं। तो अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा यही है कि क्यों हम अपने माँ बाप को, माँ बाप जो है अपने 100 बच्चों को एक साथ पाल सकते हैं लेकिन 100 औलादे होकर अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिनके नहीं हैं उनसे पूछें, उनसे दर्द पूछें कि वो अपना गम किस तरीके से शेयर करें। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुछ नहीं कि अपने वालदेन को मुस्कुरा के देखो, कभी भी उन पर उफ ना करो। ये हमारे लिए फायदेमंद है, यहाँ के लिए भी और आखिरत के लिए भी। हमारे साथ कॉल है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी है? सिमी वानी, मिसेज महमूद बात कर रही हूँ। मिसेज महमूद? जी जी बस। मिसेज महमूद कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ कैसे? कल आपका प्रोग्राम देखा, मेरी तबीयत बहुत अजीब से हो गई थी, मैं पूरा नहीं देख पाई। क्यों, क्या हुआ आपकी तबीयत को? आपने, मैं वैसे ठीक हूँ लेकिन मदर डे पे बात आ रही थी ना, इसलिए बता। मेरी भी अम्मी नहीं है। अच्छा। मेरी भी दो बहनें नहीं है, मेरे भी 4 भाई नहीं है, मेरी 4 भाजियां नहीं है। अच्छा। तो मैं अपने भतीजा भतीजी भांजा भांजे को देखती हूँ ना, लेकिन जाने जिनके शादी जो वालदेन नहीं होते, बीमारी में हादसे में चले जाते, तो मुझे अपनी तकलीफ नजर आती है बेटा। हाय हाय। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप मेरी बातों से दुखी तो नहीं हो गई थी आप? मैं, हाँ मुझे और आता है कि मैं कभी तुम्हें बड़ा मुस्कुराता हुआ और बड़ा प्यारा तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, तो मैं उसी तरह तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो बस जाहिर बात है, मेरे भी वालदेन नहीं है तो, और मदर डे था तो मैं, मुझे भी जरा ज्यादा फील हो रहा था। बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता, मुझे एहसास है, बिल्कुल रहता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप, सबके बहन भाई, अल्लाह जिनके शोहर है बच्चे, अल्लाह सबको ताए हयात सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह मियाँ कायम दायम रखे और अल्लाह उनके घरों में रिस्क की फराजी अता करे। आमीन आमीन सुम आमीन। इसके लिए आपके मेरे भाई काम कर रहे हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, ये हमारे सैफ भाई काम कर रहे हैं, कुरैशी भाई, अल्लाह इनके घरों में, सबके घरों में खुशहाली हो। आलम इस्लाम पूरे मुस्लिम उम्मत है। आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल ठीक है। वैसे मिसेज महमूद, आपको, चले आप अपने दिमाग को रिलैक्स करें, कल के प्रोग्राम के इंट्रो से आप जरा सा दुखी हो गई, या जरा बताओ, हर किसी को अपने वालदेन याद आ रहे होंगे, कुछ लोग रो भी जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीजें जो हैं जैसे अच्छी लगती हैं, जो आप गुनगुनाने को दिल करता है, कुछ यादें समेटने को दिल करता है, तो कौन सा वक्त आपको सबसे अच्छा लगा? भाई मुझे अच्छा वक्त वो लगता है कि हंसी खुशी उठो सुबह और जो नेमत अल्लाह ताला दे उसको शुक्राना अदा करके सारा दिन अच्छा सोचते रहो, सबसे प्यारा दिन होता है और उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती, और जिसका हम जिस काबिल है साथ दे सकते हैं साथ जरूर दे। क्या बात है। अच्छा ये बात बताए मुझे, आपने कभी सिनेमा गई थी कभी मूवी देखने के लिए? मेरा बच्चा घर में सब प्रोजेक्ट वगैरह था, हम बाहर नहीं निकले अभी तक। अच्छा, तो कौन सी मूवी ज्यादा पसंद से देखती थी ये बताइए? मैं पुरानी फिल्में, अरब नहीं थी, राजा की आई थी बारात, रंगीली हो गए रात। अच्छा तो सुना दे, थोड़ा सा सुना दे, अब आपने तान बान छेड़े हैं तो सुना भी दे। ये गाना तो मैं सुना देती हूँ, गाने तो बहुत गाती थी मैं। सुनाए सुनाए, मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, आप सुनाइए। पहले मैं सुनाती हूँ। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। ठीक है, वाह जबरदस्त। आपको मैं आगे सुनाऊं? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी की मांग सिंदूर, रानी की मांग सिंदूर, मैं भी अपने मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूंगी जरूर, मेहंदी से पीले होंगे हाथ सहेलियों के साथ, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी, राजा की आएगी।
बारात। क्या बात है मिसेस महमूद, मजा आ गया। तो पुराने गाने हमें बहुत पसंद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और जी मेरे साथ शेफ हुनैन, मजा आया आपको? बहुत मजा आया। जेब तेरी खैर। हमने इतनी देर में हमारा जो है खाना भी रेडी हो गया है और आई हैव जस्ट ओनली 3 मिनट और 3 मिनट में कोई इन्होंने बड़ा मैसेज तो दे दिया था मदर्स का, बड़ा प्यारा सा। और इनका जो है ये डिश जरूर आप ट्राई कीजिएगा। हाँ जो डाला जी जी। अच्छा, मसाला भूनने के बाद हम लोगों ने जो है इसके अंदर चने की दाल और लौकी वो ऐड किया, ठीक है। लौकी का जो हमारा पानी था वो डाला और हमने इसको स्टीम पर रख दिया। अच्छा, हल्का सा वो रखना चाहिए, जरा क्या बोलती है मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड ही। ज्यादा भुना मत रखिएगा, मजा नहीं, भुना नहीं रखेगा ये, थोड़ा सा ऐसा ही है। और मजा इसके अंदर ये है कि कड़क कड़क तंदूर की रोटी और दही। जी डायरेक्टर साहब प्लीज अर्श। ओ काली मिर्च जबरदस्त, वाओ मजा आ गया। बहुत लाइट सा होता है इसमें, स्पाइस इतना नहीं होता, ठीक है। ऐसा है कि स्पाइस खाने से भी आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। आप चाहे तो हरी मिर्च इसके ऊपर बना के फ्राई मिर्च। चलिए जी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लाइट में बंद कर दूं? जी बिल्कुल। ओके जी, हम लाइट हम उसको बंद कर देते हैं। ओके। ओहो क्या खुशबू। अगर इस वक्त यूं जरा सी कसूरी में थी, ढंग से डली होती ना, और मजा आ जाता है, इसका दबंग हो जाता है। आप डाल सकते हैं, कुछ लोगों को पसंद हो तो वो डाल सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और आप चाहें तो इसके ऊपर अलग से भी जीरे का ढंग सा भंगार भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी लगा सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, जो जायका आपको अच्छा लगे वो लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट्स गुड। क्या चाहिए आपको? ये देखें जी, इन्होंने क्विकली उस पर गार्निशिंग कर लें आप। और हमारा ये हो गया टाइम एंड। वाओ जबरदस्त यार, कसम से बहुत जबरदस्त लग रहा है। और इसमें टमाटर के थोड़े थोड़े वो भी नजर आ रहे हैं, और भी अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड। चले जी, हाँ उन्हें बहुत जबरदस्त। आपने मिमी के लिए किसी की भी नहीं करी ना आज, मुझे कर देती थी कर तो दी, इतने इतनी जबरदस्त होस्ट की मैंने तो आपने कर, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, दिल पसीने का इंतजार कर रहे थे। चले जी, जसपुर जोग हंसी मजाक करते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और शेफ हुनैन हमारे साथ थे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।